देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, सबसे पहली बात, लास्ट डेट इस कोर्स में एडमिशन की जो गुजर चुकी है, ये इस कोर्स की सेकंड क्लास है, दूसरी क्लास है जो कि हम पब्लिकली कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए, आप फेसबुक पे इसको देख सकते हैं। और हमारी जो अभी ये सेकंड पॉडकास्ट है, ये सेकंड क्लास है इस कोर्स की, एक तीसरा पॉडकास्ट भी होगा जिसमें तमाम प्रीवियस स्टूडेंट्स जो है, जो कुछ मेरे कॉन्टेक्ट में, उनको इनवाइट किया मैंने, और उनको जो है ना, उनके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे कि वो कैसा उनका कोर्स का एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, और क्या वो अभी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी कहा था कि सर हमें, मुझे लोग चाहिए कुछ, तो उनसे भी ज़रा बात करेंगे कि भाई किस किस्म के लोग चाहिए, कितने पैसे वो देना चाह रहे हैं, फिर हम ज़रा क्या कहते हैं, लोगों के रिज्यूमे भी लेंगे, जॉबें बांटेंगे, जॉब फेयर लगेगा इंशाल्लाह। जो अभी हमारा आज ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद ट्यूजडे का क्या आता है, वेनसडे आता है, थर्सडे, तो थर्सडे वाले दिन ही हम जॉब फेयर कर रहे हो। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि सर पीछे ना म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, तो म्यूजिक जो है इसका एक फीचर है, वो मैं ट्राई कर रहा था, इसका मैं वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देता हूँ, 10 कर दिया मैंने वॉल्यूम, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ये इसका फीचर है स्ट्रीम यार्ड का। तो मैं अभी ज़रा देख रहा था, मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। अच्छा अच्छा, और लोगों के सवाल जो थे, हाँ मैं ये कह रहा था कि ये जो जब तक ये लाइव क्लासेस चल रही है ना हमारी फेसबुक पे, तो जब तक अगर आप चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं, स्टिल लास्ट डेट हमारी ऑलरेडी पास हो चुकी है, बट स्टिल आप इनरोल कर सकते हैं। तो आज ट्यूसडे है, आज हम ये वाला पॉडकास्ट कर रहे हैं उसामा के साथ, उसामा भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, जो अगला पॉडकास्ट होगा यानी कल छोड़ के परसों, अच्छा क्लास की टाइमिंग बाय द वे यही है, 5 बजे से 7 बजे तक जो क्लास की टाइमिंग है उसी पर हम ये कर रहे हैं। और तीसरा वाला पॉडकास्ट हमारा जो मैंने बताया कि थर्सडे को होगा, उसके बाद सैटरडे को हमारी ओरिएंटेशन क्लास होगी। ओरिएंटेशन क्लास ये होती है कि हम उसमें ये डिस्कस करेंगे कि हम इस कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं, हम कोर्स आउटलाइन के बारे में बात करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, क्या आप जो भी लोगों के सवाल हैं वो आप उसमें कर पाएंगे कोर्स से मुताल्लिक, कि कोर्स में हम क्या कर रहे हैं और कोर्स का स्कोप वगैरह जो है वो, तो अभी भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसामा जो है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, मार्केटिंग में इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनकी जो पढ़ाई है वो भी मार्केटिंग से मुताल्लिक है, और टोटली इसी फील्ड में है, ये मार्केटिंग में है। और अच्छी बात ये है कि चैट बॉट से मुताल्लिक, अभी ये एक बॉट्सीफाई करके कंपनी है, वहाँ पर ये जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग पूरी उनकी यही देखते हैं उसामा। तो काफ़ी साल हो गए इनको चैट बॉट के साथ रहते हुए और मार्केटिंग के साथ रहते हुए, तो मैं आपको जो बता सकता हूँ ना कि चैट बॉट की मार्केट में कितनी डिमांड है और किधर जा रहा है, वो मैं आपको उस बेस पे बताता हूँ कि मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं, वो जो मुझे रिक्वायरमेंट देते हैं कि इंजमाम भाई मलिक, वो गोरे मुझे मलिक बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने बाय द वे चाइनीज लोगों से सीखा है, चाइनीज लोगों के ना दो नाम होते हैं, चाइनीज का एक नाम होता है चाइनीज वाला, एक होता है इंग्लिश वाला, तो मैंने कहा कि फिर ये तो अच्छा है, फिर मुझे भी दो नाम रखने चाहिए, तो अभी पाकिस्तानी नाम जो है मेरा वो है इंजमाम मलिक, और इंग्लिश नेम जो है मेरा वो सिर्फ मलिक है, सही है, तो मैंने अपना इंग्लिश नेम रखा, क्योंकि गोरों को बड़ी मुश्किल होती है ये इंजमाम ना, उनके मुंह पे चढ़ता नहीं है, क्योंकि इंजमाम है अरबी नाम, अरबी का वर्ड है, ये उर्दू का भी है, अरबी से डिराइव हुआ है, तो उनके मुंह पे चढ़ता नहीं है नाम बेचारों को, तो वो इंतजाम पता नहीं क्या बोलते, मैंने कहा भाई मलिक, सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा, तो वो कहते हैं कि यार मलिक मुझे ये बनाना है, ये वाला चैट बॉट बनाना है, तो जो है ना आप ये बना दें, तो मैं उस बेस पे आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि यार क्या कहते हैं, क्या डिमांड चल रही है मार्केट में। लेकिन उसामा जो है ना वो आपको बताएंगे वर्ल्ड वाइड, कि वर्ल्ड वाइड इसमें जो है ना क्या कुछ हो रहा है मार्केट में, क्या कुछ चल रहा है। तो आज बड़ी अच्छी डिस्कशन रहेगी हमारी, तो मार्केटिंग से मुताल्लिक जो है वो जो भी बात होगी वो हम आज डिस्कस कर रहे होंगे कि आगे ट्रेंड क्या बनने वाला है, कितने, क्या मिलियन डॉलर की मार्केट है या बिलियन डॉलर की मार्केट है चैटबॉट, या ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, तो क्या है ये, क्या चल रहा है मार्केट में। तो उसामा हमारे पास जो है वो बैक स्टेज ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उसामा को मैं 5 मिनट दूंगा, ज़रा उसामा थोड़ा सेटल्ड हो जाए 5 मिनट में, तो फिर मैं इनको फ्रंट पे लाता हूँ। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो पूरा कोर्स है आपका, इसकी रिकॉर्डिंग भी हम करेंगे, और रिकॉर्डिंग करके फेसबुक सॉरी यूट्यूब प्राइवेट के जरिए तमाम स्टूडेंट्स को उसका एक्सेस भी दिया जाएगा, ठीक है। इस ग्रुप का हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है इस कोर्स का,
जिसमें स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान जो भी उनके सवाल होंगे वो डेडिकेटेड व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ रहे होंगे, ठीक है। ये वो FAQs हैं सारे जो डेली बेसिस पे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं। अच्छा, स्टिल आपका भी अगर कोई सवाल है जो अभी तक आपको उसका आंसर नहीं मिला है तो वो आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं इस सेशन के लास्ट में वो उन FAQs का आंसर करने की कोशिश करूंगा, मार्केटिंग से मुतालिक, मार्केट ट्रेंड से मुतालिक के चैटबॉट कहाँ जा रहा है वो, अगर उससे मुतालिक कोई सवाल है तो ऑन द स्पॉट उसामा से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी हम आपसे ले रहे होंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, उसामा को मैं जरा लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया अपना। अच्छा, शुक्रिया तो आपका है कि आप क्या कहते हैं ट्रैवल करके आप जल्दी से आए हमारे लिए, बारिश भी हो रही थी उसमें भी आपको काफी जहमत दी हमने, कोई तो, बात नहीं। अच्छा, तो मैं उस समय ये जिक्र कर रहा था कि मैं जो बताता हूँ ना स्टूडेंट को कि यार चैट बॉट में अभी मैंने पिछले दिनों लगा दिया 600 जॉब्स अवेलेबल हैं, तो मैं तो उस बेस पर बताऊंगा कि तो मैं मुझे लोग रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं मेरे पास जो बंदे आ रहे हैं। लेकिन उसामा, जैसा कि आप हैं मार्केटिंग में तो आपके पास तो पूरी दुनिया से रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, जो बिजनेस टू बिजनेस आप डील कर रहे होते हैं, फिर मीटिंग्स वगैरह आपने लिंक्डइन पे देखा, मैंने लिखा है कि आप मीटिंग स्कैडल करते हैं, तो आप जरा पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएं क्योंकि मुझे तो जो पता था वो मैंने बताया, आगे आप जरा बताएं फिर हम आपसे आगे सवाल एक एक करके लेते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं तो छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ या मैं आपको कैसे जानता हूँ या मैं आपको आपके पर्टिकुलर जो कोर्स है उसमें कैसे इंटरेस्टेड हुआ। सो मैं और मेरा दोस्त हम बैठे थे यूनिवर्सिटी में और हमारे पास सैलानी वेलफेयर का एक बैनर आया था कि सैलानी में चैटबॉट डेवलपमेंट का कोर्स शुरू हो रहा है। आप आई वॉज एफिलिएटेड विद चैटबॉट्स इन लास्ट 1.5 ईयर्स इन व्हाट्सएप, तो मुझे शौक तो था कि इसमें और से और सीखूँ और से और इन डेप्थ नॉलेज हो, तो अपने दोस्त को बताया कि लेट्स एनरोल इन सैलानी। लेकिन सैलानी में क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है और उनका एक सर्टन क्राइटेरिया होता है टू एनरोल अ स्टूडेंट, हमने यही सोचा कि शायद हमारा नाम ना है तो हम इसे बैकअप हो गए। लेकिन जब आपने अपने कोर्स का वापस से हाईलाइट बैनर लगा के आप पर्सनली 101 आप एक जूम सेशंस ऑनलाइन करा रहे हैं जिसकी वजह से हमें ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, हमें कंफर्ट जोन से कोर्स अटेंड कर सकते हैं, तो दैट वाज समथिंग हमें और मेरे सारे दोस्त बहुत इंटरेस्टेड हुए। हमने उसी वक्त एनरोल किया, आपसे पता चला और उसे पता चला कि चैटबॉट्स में कितना डेवलपमेंट साइड में भी कितना काम कर रहा है। स्पीकिंग अबाउट मी, हम पर्टिकुलर नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक लेम पर्सन जस्ट लाइक मी जिसे कोडिंग नॉलेज भी नहीं आती वो आ सकता है, वो व्हाट्सएप है हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकता है एंड विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज विदाउट एनी टेक्निकल एक्सपर्टीज वो एक ईजी टू यूज चैटबॉट बना के अपने कस्टमर्स को दे सकता है। एंड यस, इन टर्म्स ऑफ डिमांड वी गेट ए कस्टमर एवरी डे अराउंड द ग्लोब, कभी कभार वो इवन फ्रॉम चाइना एंड रशिया एज वेल वी गेट कस्टमर्स दैट आर लुकिंग फॉर चैटबॉट सर्विसेज, सो डिमांड इज क्वाइट ह्यूज। मेरे ताल्लुक ये है कि आई एम द वन हु बिल्ड्स चैटबॉट फॉर द कस्टमर्स, आई एम द वन हु इज डूइंग डेमोंस्ट्रेशन फॉर द कस्टमर्स, चैटबॉट पिचिंग, चैटबॉट डेमोंस्ट्रेशन, चैटबॉट डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, सो ये बेसिक टास्क मैं करता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, वेल डन यार, क्या बात है। तो आपको कितना टाइम हो गया मार्केटिंग तो आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, वो तो मैंने देखा है, स्कूलिंग सारी आपकी मार्केटिंग की है, तो ये चैटबॉट वाली जो कंपनी है ये आपकी पहली कंपनी है या इससे पहले भी आप किसी चैटबॉट की कंपनी? ये पहली है और मैं इसी से स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि ये नीश इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था चैटबॉट से। आई यूज्ड टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, जो एक सिंपल कॉल सेंटर होता है जो मेजॉरिटी लोग काम कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल सेट से कोई ताल्लुक नहीं था। सो आई गेट अ चांस टू वर्क इन व्हाट्सएप, मुझे दे वर क्वाइट गुड इनफ के मुझे यानी से कॉल सेंटर एक्सपीरियंस पे आई वाज गिविंग अ चांस, और उसके बाद मुझे पता चला कि सैस इंडस्ट्री भी एग्जिस्ट करती है और उसमें चैटबॉट एक पूरी इंडस्ट्री है। सो इट्स बीन लाइक 1.5 इयर्स सिंस आई हैव बीन वर्किंग, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं जब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, कोई मुझे कोडिंग इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं मालूम थी, मैंने सब कुछ यहीं से सीखा है। सही है यार, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, तो हम इसका जैसे मैंने टॉपिक रखा है मार्केट ट्रेंड एंड क्या, मैंने वो मैं भूल गया, पता नहीं क्या रखा था मैंने, ये इसमें शो नहीं कर रहा पूरा। वेल, तो मार्केट ट्रेंड और हम चैटबॉट की जो डिमांड्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं कि आया कि एक स्टूडेंट जो है, क्योंकि देखें जब बंदा कोई भी चीज सीखना शुरू करता है तो जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो हमारी इंडस्ट्री है वो बड़ी तेजी से इवॉल्व कर रही है, इवन दो के हॉवर्ड को MIT को भी ना दे आर हैविंग हार्ड टाइम टू पिक इट अप, इनको भी कोप अप करने में बड़ा मुश्किल हो रही है कि यार इस वक्त आप देखें दूसरी जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें क्या होता है कि इन्वेंशंस जो होती हैं वो यूनिवर्सिटीज के अंदर होती हैं, जामिया के अंदर, लेकिन अभी
हमारा जो कंप्यूटर साइंस की जो दुनिया है, कंप्यूटर साइंस की जो इंडस्ट्री है, इसमें इनोवेशन जो है वो क्या हो गया है, अब कंपनीज कर रही हैं। गूगल नई टेक्नोलॉजी इनोवेट कर रहा है, IBM और Amazon और ये फेसबुक, ये लोग बना रहे हैं नई टेक्नोलॉजी। तो मतलब बिल्कुल हालांकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और दूसरी चीज़ें जो है उसमें ये होता है कि मेन जो जगह होती है इन्वेंशन की वो यूनिवर्सिटीज होती हैं। बच्चे पढ़ते हैं वहीं, लैब में प्रैक्टिस करते हैं और वहीं पे, क्योंकि वो काफ़ी स्लो है तरक्की के मुकाबले आगे। तो हम इतनी रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसमें हम एक नई चीज़ पे जब कदम रखते हैं, वो उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो अभी नए फ्रेश पास नया आउट्स हैं, और जो जो कुछ लोग स्कूलिंग वाले नहीं हैं, वो मदरसे से उनका ताल्लुक है तो वो इस जगह पे आना चाह रहे हैं। तो अब हमें उनको जो है ना वो डेटा देना है कि जिससे उनको सोचने में हेल्प मिले कि आया कि ये उनको कंप्यूटर साइंस में आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और अगर कंप्यूटर साइंस में आना चाहिए तो चैट बॉट में उनके लिए क्या मौजूद है। यानी मैं ये समझता हूँ कि चैट बॉट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो मार्केट का बंदा हो, चाहे वो कोडिंग वाला बंदा हो, चाहे वो नो कोड प्लेटफॉर्म वाला हो जैसे कैनवा वगैरह पे कुछ लोग करते हो, कैनवा। चाहे वो डिजाइनर हो, चाहे वो फोटोशॉप वाला कोई ग्राफिक्स का बंदा हो, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो हम ये अभी आपसे, मेरा सवाल ये रहेगा जी। कि आप जरा सा ये बताएं कि मार्केट में इस वक्त चैट बॉट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि फेसबुक बड़ी बड़ी कंपनी सारी तो उसमें कूद चुकी हैं, तो जी जरा सा ये बताएं कि किस तरफ ये चैटबॉट आप जाता हुआ देख रहे हैं अगले 2-3 सालों में। बिल्कुल, मैं इसमें गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले सर, जैसे आपने हमें समझाया था, मार्केट अपने आप को डिफाइन करिए, बिकॉज इट्स एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो मार्केट ने अभी तक अपने आप को कंप्लीट डिफाइन नहीं किया कि उनको चाहिए क्या। 80-90% द मार्केट जो कैप्चर की हुई है वो की हुई है नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म में, कमिंग व्हाट्सएप, इट्स वन ऑफ द पियोनियर्स। हम सबसे पहले मार्केट में आए थे, आई गेस 2016 या लेट 2016, जब बिल्कुल चैट बॉट्स नए नए आए थे, तो व्हाट्सएप केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसके साथ साथ काफी सारे और नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म भी है, इंक्लूडिंग चैट फ्यूल, मैनी चैट, लैंड बॉट, एक्सेट्रा। सो राइट नाउ इन द मार्केट 90% ऑफ द कंज्यूमर्स आर यूजिंग नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म। लेकिन क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और जो आप कोर्स करवा रहे हैं आप नो कोड बेस्ड नहीं करवा रहे, आप कह रहे आप कोडिंग और डायलेक्ट फ्लो पे करा रहे हैं। सो जो मार्केट के पास, जो मेरे पास जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, अब जो कस्टमर्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार सामा ठीक है, हमें क्लिक 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 और वो वाला बॉट तो चाहिए कि जिसपे कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन है, एंड वो दिस सेलेक्ट सेकंड ऑप्शन, सेकंड फ्लोर गोज बाय। लेकिन लेट सपोज अगर आप चैट बॉट लगाया आपने फॉर योर रेस्टोरेंट, एंड कस्टमर कम्स एंड आस्क्स अ क्वेश्चन लाइक हाउ इज द वेदर टुडे, अब अगर आपने सिर्फ क्लिक 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 वाला बॉट बनाया है तो चैट बॉट रिप्लाई नहीं कर पाएगा इस क्वेरी को, और इसकी वजह पे डिफॉल्ट मैसेज ट्रिगर कर देगा। सो विद द हेल्प ऑफ यू सर, एज जो आप को ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं और जो आप कोर्स जो आपने आउटलाइन किया हुआ है उसकी मदद से स्टूडेंट्स के लर्न डायलॉग फ्लो, जिसकी वजह से एक AI बॉट या NLP बॉट बना सकते हैं। दिस इज समथिंग मार्केट इज रिक्वायरिंग इन द नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आएगी। और लकीली अभी मार्केट में नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म अगर आप आते हो तो उसमें तो कंपटीशन बहुत टफ है, जो पुरानी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बैठे हुए थे उन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर की है। बट इन टर्म्स ऑफ AI बॉट जो आप पढ़ा रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी पे आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं सिलानिया से ऑनलाइन ऑल द अदर इंस्टीट्यूट्स, वो उस टेक्नोलॉजी में मार्केट में गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर वो करते हैं तो उनकी प्राइसिंग बहुत आए, लाइक इट्स अ हाई टिकट मार्केट जिसमें आपकी स्टार्टिंग प्राइस $4,000 से $5,000 है। इफ यू कैन ट्रेन स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, सो वो उनको सेम क्वालिटी का वर्क बहुत रिलायबल फी में दे सकते हैं। इसके बाद और अगेन स्टार्टिंग प्राइस मिनिमम $2,500 से $3,000 इज स्टार्टिंग प्राइस इन दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें आप सर्विसेज दे सकते हैं फॉर द कस्टमर। सो टू मी इन द नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स नो कोड के साथ साथ हर दूसरा कंज्यूमर चाह रहा होगा कि इसको एक NLP बेस्ड बॉट या AI बेस्ड बॉट चाहिए अपने प्लेटफॉर्म के लिए। इन टर्म्स ऑफ मार्केट सर, आपके पास इरेस्पेक्टिव कस्टमर, अगर रियल स्टेट कंपनी में काम करते हैं, कस्टमर के रेस्टोरेंट है, कस्टमर का हॉस्पिटल है, आपके कस्टमर का जिम है, आपके कस्टमर का व्हाट्सएप द इंडस्ट्रीज इन, दे नीड अ चैटबॉट टू ऑटोमेट देयर रिस्पॉन्स, टू ऑटोमेट देयर कन्वर्सेशन। इसमें एक बहुत सिंपल से अगर मैं स्टोरी सुनाऊँ आपको और दूसरे स्टूडेंट्स को, कि आई स्टिल रिमेंबर कपल ऑफ टाइम बैक आई गॉट अ चांस टू वर्क विद एन एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, एंड वी वर्किंग विद देम। उन्होंने एक सवाल पूछा सामा, लाइक एवरीथिंग फाइन, द बेनिफिट्स आर फाइन, सब कुछ ठीक है, लेकिन वाई चैटबॉट्स, लाइक वाई वी यूज द चैटबॉट सर्विसेज, हम मैनुअल बंदे भी बिठा सकते हैं जो रिस्पॉन्ड करें कस्टमर को। सो आई आस्क अ क्वेश्चन कि मिस्टर प्रॉस्पेक्ट या मिस्टर XYZ, मैं नो व्हाट्स योर एवरेज टिकट प्रोडक्ट प्राइस, या आप जो सर्विस देते हो उसकी एवरेज प्राइस क्या है। सो दे वर लाइक हमारी एवरेज प्राइस है $2,000 से $3,000 पर प्रोडक्ट पर सर्विस। सो आई सेड लेट्स सपोज अ सिनेरियो, इफ इन द मिडल ऑफ अ नाइट इफ अ कस्टमर कम्स टू योर प्लेटफॉर्म, डजंट मैटर इफ इट्स वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर, बिकॉज हम ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म से हम सेम चैट पर डिप्लॉय कर सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। सो लेट्स सपोज इफ अ कस्टमर कम्स इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड इफ दे आस्क अ क्यूरी रिगार्डिंग टू योर सर्विसेज, अगर आप कोई नुमाइंदा बैठा हुआ नहीं है, कोई लाइव रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ नहीं है, तो मोस्ट पॉसिबल यू लूज द कस्टमर।
क्योंकि आप एवरेज टाइम्स पे अगर आप फेसबुक रील्स देखते हैं या आप व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो समवेयर अराउंड 20 टू 30 सेकंड्स मैक्सिमम. सो द एवरेज टाइम स्पैन फॉर अ कस्टमर दैट लैंड्स ऑन योर वेबसाइट और लैंड्स ऑन योर बिजनेस इज वेरी लो, लाइक इट्स इन सेकंड्स. सो इफ यू डोंट एंगेज द कस्टमर इन द फर्स्ट फ्यू सेकंड्स माइट पॉसिबली यू लूज द कस्टमर. सो विद द चैटबॉट्स जैसे आप अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हैं, आप मोर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को भी एंगेज करके उनको कन्वर्ट कर सकते हो. काउंटलेस बेनिफिट्स फॉर द चैटबॉट्स एंड फॉर द एंड लाइक फॉर द अडॉप्शन बाय द मार्केट. सो इन 1 or 2 इयर्स इट्स अ रैपिड बूम. Each and every business, not just international but the local businesses as well, they'll be looking towards the chatbot solution for their businesses. अच्छा, अब देखिए ना, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई. अब ये जो thinking है ना, ये जो सोच है कि क्योंकि मैं तो हूँ developer, developer होता है engineer. Engineer को ना मतलब उसका दिमाग और तरह का होता है. Engineering वो सोचती है. अभी उसामा ने जो बात की ना कि एक businessman वो ये पूछ रहा है कि भाई मेरे पास बंदे तो हैं, मैं chatbot को लगाऊं. तो उसका ये जवाब है कि भाई चैटबॉट टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा. तो बिजनेस वाले बंदे को ना पैसा, जो डोमिनोज का मालिक है उसको पैसे का पता है. उसको नहीं कि पिज़्ज़ा वीज़ा, वो तो बंदे कर रहे हैं पहले से, कॉल सेंटर बंदे बैठे हुए हैं, मार्केटिंग बंदे बैठे हुए हैं, कि पैसा डबल कैसे होगा. तो ये इस बात का जवाब ना उसामा के पास है कि पैसा डबल कैसे होगा. मैं जो है ना बिजनेस थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ. बिजनेस तो मुझे नहीं आता बिजनेस भाई, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, लेकिन बिजनेस मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अभी. जी उसामा, अगेन सर, आप मार्केट में ना चैटबॉट्स बोल के नहीं बेच सकते. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन चैटबॉट्स इन टोटल. आप उसको बोलो कि हम आपको चैटबॉट देंगे. हाँ, एक्जेक्टली. अभी फैमिलियर नहीं हुई मार्केट इससे, फैमिलियर नहीं हुई. तो आप उनको बोल सकते हो कि आपका बिजनेस ऑटोमेशन या आपका बिजनेस कन्वर्जन रेट या आपकी 24/7 अवेलेबिलिटी या हम आपकी ग्रोथ में हेल्प आउट करेंगे बाय मेकिंग योर लाइक एचआर कॉस्ट या मेकिंग योर रिक्रूटमेंट कॉस्ट लो. क्यों? जहां आपको चार मेजॉरिटी, मेरे पास जो मेजॉरिटी कस्टमर आते हैं, हमारे पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स आती है. कहते हो समर फ्रॉम 9 AM to 5 PM इन द ऑफिस आवर्स आई वॉन्ट अ लाइव पर्सन टू हैंडल माई कन्वर्जेशन, बट जब हमारे ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं आई वॉन्ट द चैटबॉट टू हैंडल द कन्वर्जेशन. इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं. लोग चाहते हैं कि सर्टेन आवर्स में लाइव बंदा हो, उसके बाद जब ऑफलाइन बंदे ऑफलाइन हो जाए तब चैटबॉट्स हो. नंबर सेकंड जो आती है, जो मोस्ट ऑफ द कॉमन क्यूरी जो कस्टमर्स आती है, वो कहती हैं कि उसामा हम चाहते हैं कि हमारी टिकटिंग कम हो. लाइक लेट्स सपोज अगर दिन में 8 से 10 क्यूरीज आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्यूरीज सेम ही होती है. लाइक उनको सेम प्रॉब्लम होती है फॉर द प्लेटफॉर्म, लेट्स से ऑनबोर्डिंग प्रॉब्लम होती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है. तो हम चाहते हैं वही रेगुलर एफएक्यूस बार बार पूछते हैं. सो हमारे ह्यूमनली हमारे पास काफी यानी पॉसिबल नहीं है सबको बार 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 वही बार बार मैसेज कन्वे करते हैं. तो टेक्स टाइम. सो हम क्या चाहते हैं कि चैटबॉट के थ्रू हमारे जहाँ दिन में 10 टिकट्स रेज होते थे, तो 6 से 8 टिकट्स चैटबॉट खुद ब खुद उनको रिस्पॉन्ड करते, और जो कि 1 से 2 बच गए जो चैटबॉट नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता वो हम बैक एंड पे अपनी टीम को दे दें. सो टीम का लोड भी कम करना चाहते हैं. हाँ, अच्छा, क्या जबरदस्त बात हो गई. अच्छा, एक दोस्त कमेंट में लिख रहे हैं कि PIIC के मेटावर्स के कोर्स में AI चैटबॉट नहीं है सिलेबस में. तो कैसे पार्ट हो सकता है? अच्छा, ये बात ना, ये कल हमने डिस्कस की थी, कल वाला पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे ना मोहम्मद शहरयार, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि भाई एक मेटावर्स जो है ना वो असल में वेब 3.0 असल में कैसा होगा, जो मेरा ओपिनियन है और जो सलील ने भी उसमें अपना ओपिनियन दिया था, तो वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. दूसरी बात ये कि मैं PIIC के साथ हुआ करता था कुछ अरसे पहले, तो मैंने तो उनको बोला था भाई ये, इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मैंने कहा छोड़ो हम अपना करेंगे. तो मैंने छोड़ दी. लेकिन ये कि वो उनको मैंने बोला, उन्होंने वो किया ही नहीं, तो मैंने अलग हो गया. इसमें मैं जब हम थोड़ी सी वैल्यू ऐड करूँ ना, राइट नाउ मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है कि ज्यादा लोग अमेज़न सीख रहे हैं. जो मार्केट ट्रेंड है, हम लोकल मार्केट की बात करें, ज्यादा लोग अमेज़न की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा लोग ई कॉमर्स सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि ये सारी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट होने जा रही है. लाइक आप कितने VAs बनाओगे, कितने वर्चुअल असिस्टेंट बनाओगे, कि मार्केट में इतनी डिमांड है जितने आप VAs यहाँ पे पैदा कर रहे हो दिन ब दिन. इंस्टेड ऑफ दिस, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए कि आप किसी की बातों में ना खुद रिसर्च करें. जस्ट गो टू फाइवर, जस्ट गो टू अपवर्क और वहाँ पे कीवर्ड्स डालें. लेट्स सपोज आप फाइवर पे जाते तो आप कीवर्ड डालें वेबसाइट चैटबॉट या आप डालें व्हाट्सएप चैटबॉट, और आपके सामने आ जाएगा सिर्फ व्हाट्सएप चैटबॉट पे लेस देन 100 गिग्स है. यानी आप देखें कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. हर दूसरे बिजनेस को व्हाट्सएप बॉट चाहिए या उसका रिक्वायरमेंट्स आती उनको एहसास होता जा रही है, और ऑनलाइन इसमें इतने है ही नहीं बंदे जो इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करें. आप अपवर्क पे जाएंगे, जो आपने पोस्ट भी शेयर किया था, कितनी सारी जॉब्स होते हैं. आप सिर्फ एक काम करें स्टूडेंट्स, उन जॉब्स पे जाकर नीचे देखें बिट्स कितनी है, उससे अंदाजा 5 से 10 बिट्स. दैट्स इट. आप शॉपिफाई के प्रोजेक्ट पे जाते हैं, आप अमेज़न के जाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट मार्केटिंग उन पे बिट्स देखें विद इन सेकंड्स
50 to 100 bits ऐसे ही आ जाती हैं, लेकिन अब चैटबॉट्स के जाए 2-2 घंटे में हो जाते हैं, 2 से 4, 4 से 5 bits से ऊपर होते नहीं है। तो आप ये समझे कि कितने ज्यादा चांसेस हैं आपको रिक्रूट होने के बाय द एम्प्लॉयर या बाय द पर्सन दैट इज गिविंग आउट द प्रोजेक्ट ऑन ऑनलाइन फाइबर और दूसरे जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। सो ह्यूज गैप इन द मार्केट फॉर द चैटबॉट डेवलपर्स एज वेल। अच्छा तो अब हमारे पास ना दो ऑप्शन होगा जो भी ये, अच्छा जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना भाई, यहाँ पे अभी रोपले की बात हो रही है, रोपड़ा रोपड़ा अभी पैसे की बात करो यहाँ पे, अभी ये छोड़ो ये मेटावर्स, अभी ये बताओ कि पैसे कैसे बनेंगे, ये सवाल पूछना है अपने उसामा से। और उसामा आपको इस बात का, उसामा ये मेटावर्स वगैरह चैटबॉट, उसामा टेक्निकल इतना इनको इंटरेस्टेड तो बहुत है ये, लेकिन ये खुद नहीं बनाते, ये तो बेचते हैं, इनका काम है बेचना, इनको कस्टमर की नीड पता है, इनको पता है कि पैसे वाला बंदा कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या लेना चाहता है। तो पैसे की बात ना उसामा आपको जवाब देंगे इसका, तो वो वाले सवाल प्लीज सब लोग कर लें जिस जिसके पास है। अच्छा तो हमारे पास ना दो है, एक तो है फ्रीलांस मार्केट और एक है हमारी पाकिस्तानी लोकल मार्केट और जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह जो भी कंपनी है। अच्छा तो पहले हम ना फ्रीलांसिंग की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम लोकल कंपनीज और पाकिस्तानी बिजनेसेस की बात करते हैं। तो उसामा आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस है, सब लोगों से आपकी बात चीत है, जान पहचान है, पाकिस्तान में जो चैटबॉट की कंपनीज इस वक्त जो पाकिस्तान ओरिजिन कंपनीज हैं, यानी पाकिस्तानियों ने जो कंपनीज जो बनाई हैं, वो कौन कौन सी हैं जरा वो आप बताएंगे? जिनका मुझे, जिससे मैं फेमिलियर हूँ, सो ईओशन है हमारे पाकिस्तान में लोकल जो यहाँ पे, लेकिन वो सारे चैटबॉट्स अगेन सोल्यूशन ही दे रहे, वो सिर्फ व्हाट्सएप चैटबॉट्स की सोल्यूशन दे रहे हैं। उसके अलावा इन्फोबिप है, लेकिन इन्फोबिप आपकी लोकली, अगेन इन्फोबिप इंटरनेशनल है जो लोकल में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और तीसरी बॉट्सिफाई है जहाँ मैं काम करता हूँ। सो बॉट्सिफाई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान एज वेल एज इन द चैटबॉट इंडस्ट्री एज वेल। सो आई गेस 2016 में फेसबुक ने बॉट लॉन्च किया था, उसके साथ साथ ही हमारे फाउंडर ने बॉट्सिफाई भी लॉन्च कर दिया था इन 2016। सो इट्स बीन मोर देन 7 to 8 years सिंस वी आर इन द market in the chatbot niche. अच्छा एक आपने ईओशन बताया, एक बॉट्सिफाई, तीसरा कौन सा बताया? इन्फोबिप, इन्फोबिप, INFOBIP। अच्छा ये जरा सा आप कुछ ये बता पाएंगे कि ईओशन और ये लोग ये कितने अभी तक इन्होंने बना लिए हैं, कोई फंडिंग वंडिंग इन्होंने रेज की है अभी तक? जी मैं इसमें गाइड करता हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ ईओशन सर, ईओशन ज़्यादातर हाई टिकट क्लाइंट्स का डील करता है, लाइक नॉर्मली इफ स्पीक अबाउट द प्राइसिंग, सो इट्स राउंड अबाउट $300 to $400 पर मंथ दे चार्ज, इट्स अ स्टार्टिंग प्राइस फॉर द व्हाट्सएप चैटबॉट ऑन अ रिकरिंग बेसिस। अगर आपको व्हाट्सएप बॉट पर आना है तो आप यू हैव टू पे द स्टार्टिंग प्राइस ऑफ $300 to $400 पर मंथ फॉर व्हाट्सएप चैटबॉट। आई एम नॉट श्योर फॉर द फंडिंग, लेकिन इन्फोबिप तो बहुत बड़ी कंपनी, अगेन इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें हंड्रेड एंड थाउजेंड एम्प्लॉयज है। ये वो ईओशन लोकल है, व्हाट्सएप लोकल है। And in terms of our pricing, जो हम charge करते हैं customers, so let's suppose अगर आप हमारे पास आते हैं bot development के लिए, if you need a bot for WhatsApp or for Facebook, Instagram, Telegram, SMS या website, so हमारे जो pricing है वो है flat pricing, which is $149 per month, जो तकरीबन $150 बनते हैं। एंड इसके बस हम आपको bot बना के भी देंगे, बॉट आपके प्लेटफॉर्म से लाइव भी करेंगे, बॉट के इंटीग्रेशन मैनेजमेंट सब कुछ हमारा काम होगा, ऑल यू विल बी डूइंग इज जस्ट गिविंग अस अ रिक्वायरमेंट, दैट्स इट। अच्छा तो आप यानी समझ में मुझे आया कि ईओशन, इन्फोबिट और बॉट्सिफाई, ये तीनों का जो मॉडल है वो एक ही है कि हर मंथ कुछ चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट्स और वो सब जो चाहिए होता है बना बना के दे देते हैं। अच्छा, और वो बड़ा बेसिक चैटबॉट होता है, मैंने ये कंपनी मैंने भी थोड़ा देखी थी, आपने भी जिक्र किया था कि ये एआई चैटबॉट नहीं बना रहे, ये वो क्लिक क्लिक वाला चैटबॉट है जो के इलेक्ट्रिक का भी अभी मैंने शेयर किया था, और ये फैसल बैंक का, वो किसने फैसल बैंक का, इसने ही बनाया शायद ईओशन ने, ईओशन ने बनाया है। फैसल बैंक का हमारे पास भी रिक्वायरमेंट आई थी, बट अगेन वी आर नॉट वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर, सो हमने उसको पास ऑन नहीं किया। इन टर्म्स ऑफ जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था, मार्केट अपने आपको डिफाइन कर रही है राइट नाउ, मार्केट में 80-90% जो कैप्चर किया है वो नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, लाइक द क्लिक 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 जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं जो डायलॉग फ्लो और जो कस्टम इंटीग्रेशन हो उसमें NLP बेस्ड बॉट होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। अब जो भी कस्टमर आते हैं ना वो यही कहते हैं यार ठीक है क्लिक 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 तो चाहिए, लेकिन उसमें कोई AI फैक्टर तो हो कि तक कम अज कम लेट्स से कस्टमर आस्क समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बॉट उसको रिस्पॉन्ड कर सके या बॉट उसकी क्यूरी को लुकअप करके उसको कोई एक अच्छा सा मैसेज कन्वे कर सके, जो हमारा लैक है। और जो जो पोटेंशियल जो अराइज हो रही है इन द मार्केट जिसमें गैप बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि अगर अगर स्टूडेंट्स को NLP बेस्ड बॉट्स या विद द हेल्प ऑफ डायलॉग फ्लो या लेट्स से रासा के थ्रू अगर आप वो कस्टम चैटबॉट्स बना सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और अगेन जो हमारी प्राइसिंग है वो है $149, इट्स अ लो टिकट प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं, लेकिन जो कस्टम चैटबॉट्स होते हैं जो आप मुझसे बेहतर बता सकते हैं, उनकी स्टार्टिंग प्राइस $2,500 to $3,000 होती है, ये स्टार्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, इट गोज हायर एंड हायर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो अगर लेट्स सपोज आप पूरे साल में से दो प्रोजेक्ट्स भी पकड़ते हैं, दो प्रोजेक्ट्स लिटरली, दो प्रोजेक्ट्स अगर आप $3,000 जो बहुत लो प्राइस रख रहे हैं इसके लिए, तो इट्स लाइक $6,000 जो तकरीबन आपके 14 lakh to 15 lakh रुपए बनते हैं फॉर जस्ट फॉर द चैटबॉट्स, और पूरे साल में 12 महीने होते हैं, आप दो प्रोजेक्ट्स इजीली विन कर सकते हैं फ्रॉम फाइवर
हेल्प फ्रॉम अपवर्क या कस्टम आउटरीचेस करके। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो पॉइंट मेरा ये कहने का कि ये जो अभी इस वक्त पाकिस्तानी कंपनीज है जो चैटबॉट की कंपनीज है वो बेसिक चैटबॉट में $149 तक ये चार्ज कर रहे हैं पर कस्टमर को, और हम चार्ज करते हैं। अच्छा कंपनीज आर चार्जिंग समवेयर बिटवीन 300 से 400 एज़ वेल पर मंथ। अच्छा ऑन एवरेज ये साल में ये कितना कंपनीज ये बनाती हैं, इन्होंने कुछ पब्लिक किया हुआ डेटा, या आप अगर बॉटसिफाई का बताना चाहें तो साल का रेवेन्यू इनका आजकल क्या चल रहा है पाकिस्तानी कंपनी? मैं बताता हूँ, सो इन बॉटसिफाई से वी गॉट अ चांस टू वर्क विद, अगर हम सिर्फ लोकल मार्केट की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल को भी साइड भी करते हैं, सो लोकल मार्केट वी गॉट अ चांस टू वर्क विद पीटीसीएल, पीटीसीएल के रिक्रूटमेंट बोर्ड बनाया, वी गॉट अ चांस टू वर्क विद ईएफयू, ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस के लिए हमने बनाया, वी गॉट अ चांस टू वर्क विद जैस, वी गॉट अ चांस टू वर्क विद सॉन्ग, वी गॉट अ चांस टू वर्क विद टोयोटा एज वेल। आप किया पे जाएंगे, किया का एक व्हाट्सएप बॉट है, आप गूगल पे सर्च करेंगे यू विल फाइंड अ किया बॉट, व्हाट्सएप बॉट, आप वो लोग देख सकते हैं। सो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें काम करने का इत्तेफाक हुआ, हमें रियल हमें क्या नाम है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करने का इत्तेफाक हुआ, हमें पीटीसीएल जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है हमें उनके साथ काम करने प्रोवाइड हुआ, प्लस ई कॉमर्स। और मैं यहाँ सबको थोड़ा एक एम्फसाइज करूँगा कि आप अगर लोकल मार्केट में जाते हैं, लोकल मार्केट में जो सबसे बड़ा गैप है वो ई कॉमर्स में, ई कॉमर्स कंपनीज उनको अभी तक इतना एहसास नहीं होता कि व्हाट्सएप चैटबॉट क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आफ्टर द रीसेंट अपडेट व्हाट्सएप ने लॉन्च किया कुछ अर्से पहले जियो मार्ट, जियो एक इंडियन बेस्ड कंपनी है ग्रॉसरी कंपनी, उनके साथ व्हाट्सएप ने बकायदा अपनी पार्टनरशिप करके बॉट लॉन्च किया। आप चाहें तो अपने ग्रुप में वीडियो भी शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, उसमें क्या होगा कि आप कस्टमर आपके व्हाट्सएप बॉट में आएगा, वहाँ पे अपने यानी उसी के अंदर बॉट के अंदर क्यूरी यानी अपने प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकता है, वहाँ से प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकता है, वहाँ से अपने यानी एड्रेस और नाम लिख के वहाँ से ही चेकआउट कर सकता है। यू डोंट नीड टू रीडायरेक्ट द कस्टमर ऑन अ वेबसाइट ऑन अ फेसबुक पेज और लैंडिंग पेज, आपके व्हाट्सएप भी कंप्लीट आपके पेजेस बन जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं है वेबसाइट बनाने की, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई और प्लेटफॉर्म बनाने की, आप व्हाट्सएप के थ्रू सेल्स मार्केटिंग सब कुछ उसके अंदर ही कर सकते हैं। और अगेन मैं व्हाट्सएप यहाँ थोड़ा सा एम्फसाइज करूँगा कि व्हाट्सएप का ओपन रेट बहुत ज्यादा, लेट्स सपोज मैं मार्केटिंग परस्पेक्टिव से बात करूँ, अगर कोई बंदा ईमेल मार्केटिंग करता है या डिजिटल मार्केटिंग करता है तो उसका इतना ओपन रेट नहीं होता, लेकिन लेट्स सपोज अब बिजनेसेस एंड मोर बिजनेस आर लुकिंग टुवर्ड्स व्हाट्सएप मार्केटिंग, क्यों? व्हाट्सएप का ओपन रेट है मोर देन 90-95%। सो लेट्स से आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं अननोन नंबर पे, सो 90-95% चांस है कि कस्टमर आपका मैसेज खोलेगा ही खोलेगा। एंड नंबर सेकंड, व्हेन यू स्पीक अबाउट द क्लिक थ्रू रेट, इट्स समवेयर बिटवीन 35-45%। क्लिक थ्रू रेट इज मोर देन फेसबुक मार्केटिंग, इट्स मोर देन गूगल एड्स, इट्स मोर देन ईमेल मार्केटिंग, सबसे बहुत ज्यादा है। सो अब क्या कर रहे हैं कि जो ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री होती है या जो कोई ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है वो क्या कहते हैं, वो चाह रहे हैं कि यार मेरे पास कोई व्हाट्सएप मार्केटिंग के लोग जो मेरे बॉट बना सकें और मेरी बॉट के साथ कस्टमर यानी कन्वर्सेशन ऑटोमेशन तो कर सकें लेकिन मार्केटिंग भी कर सकें व्हाट्सएप पे। चैटबॉट आपको क्या कैपेबिलिटी देता है, आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, आप स्केड्यूल कर सकते हो मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, आपने कस्टमर को डायरेक्ट चेकआउट करवा सकते हो इनसाइड व्हाट्सएप विंडो। और अगेन लोकल मार्केट में पूरा कॉम्पिटिशन खाली है, आप खुद रिसर्च करें ई कॉमर्स कंपनीज में कितनी कंपनीज है जो व्हाट्सएप चैटबॉट यूज़ कर रही है, अभी आपको बहुत रेयर कोई मिले और अब सबको पिच कर सकते हैं। एंड यू कैन सेल इट फॉर अ हाई टिकट लाइक वी सेल इट फॉर 149, लेकिन आप इसको 200, 250, 300, 400, इट्स टोटली अप टू यू, आप कितने का उनको बेचना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर द वन टाइम फी बट ऑन अ रिकरिंग फी हर महीने। जी अच्छा थोड़ा सा ब्रेक हुआ था अभी। वेल अच्छा तो आपने बताया कि पीटीसीएल जैज जोंग और किया वगैरह ये ऑटोमोबाइल हॉस्पिटल्स इनके लिए आपको चैटबॉट बनाने का इत्तेफाक आया है, बॉटसिफाई के चैटबॉट यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा तो मतलब सब लोग इंटरेस्टेड हैं, अच्छा है, लेकिन वो मैंने एक्चुअल सवाल ये पूछा था कि ये कंपनीज क्या इन्होंने अपना सालाना रेवेन्यू जो है वो क्या इन्होंने पब्लिक किया है किसी ने भी इनमें से? yes. कि हम साल में इतना हमने कमाया है? yes, yes. आप बॉटसिफाई पे जा सकते हैं, मैं आपको ब्लॉग शेयर कर दूंगा। बॉटसिफाई पे ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस है, मुझे एक सेकंड दे, हम बॉटसिफाई में आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं बाय द वे, एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। हां ये रहा। अच्छा एक दोस्त पूछ रहे हैं कि मार्केट लोकल मार्केट में कितनी सैलरी है मिनिमम मैक्सिमम, what is the price of per project? Per project तो इन्होंने बताया कि Botsify वाले जो चार्ज कर रहे हैं वो 149 कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे $300-$400 तक भी लोग चार्ज कर रहे हैं। ये मैंने स्ट्रीम पे ऐड कर दिया आपकी स्क्रीन को, मैं आपके साथ दो नंबर शेयर कर रहा हूं। 149 रिकरिंग फीस मंथली,
मैं आपके साथ EFU का अच्छा टेस्टिमोनियल शेयर करता हूँ. व्हेन वी गॉट अ चांस टू वर्क विद EFU, वी स्टिल हम उनके साथ काम कर रहे हैं. सो विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट, EFU मेड लाइक एंगेज मोर देन 11,584 कस्टमर्स. जो अब अगर वो मैनुअल अगर अपने एम्प्लॉयज बिठाते तो लिटरली उनके लिए कभी यानी पॉसिबल ही नहीं था कि इतने कस्टमर्स को वो रिस्पॉन्ड कर सके. इनके पास इतनी ज्यादा क्यूरीज होती थी ऑन अ नॉर्मल डे फॉर द कस्टमर्स. तो विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट EFU लाइक ऑटोमेटेड मोर देन तकरीबन 12,000 कस्टमर्स को उन्होंने ऑटोमेट किया फॉर द डेली क्यूरीज, लीड जनरेशन एंड सब कुछ विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट्स. जो हमने उनके साथ काम किया, पूरा ब्लॉग उसके ऊपर हमने लिखा हुआ था. सेविंग मोर देन लाइक 8 आवर्स ऑफ कस्टमर सपोर्ट एवरी डे. इससे क्या फायदा हुआ, ये फेक हो कि उन्होंने अपनी जो पहले अगर 10 बंदे काम करते थे उन्होंने 10 को 5 कर दिया. सो दे डिक्रीज द नंबर ऑफ पीपल्स वर्किंग इन द कंपनी और इस वजह से उनके मार्जिन ज्यादा बढ़ गए. अगेन another testimonial is we got a chance to work with a real estate company in Tennessee, United States. Wo kuch arsa pehle hamare paas aaye the and they were running advertisement on Facebook, they were running advertisement on Google and other social media places. The problem ye thi jab inke customer website pe aata tha to wah masla ye hota tha ki website pe aa to raha hai lekin koi engagement nahi hoti thi customer ke, koi real time queries answer karne wala nahi hota tha. So they were losing the traffic. They came to Botsify, we gave them a solution ke yaar aap ek kaam kare, apni website pe bhi ek chat widget, a bot widget laga de jis pe wo पॉप अप होगा कस्टमर को, कस्टमर की क्यूरियसनेस करेगा और कुछ करे ना करे कम से कम कस्टमर की लीड जरूर जनरेट कर देगा. एंड एट द बैक एंड यू कैन डू द इंटीग्रेशन विद गूगल, विद गूगल स्प्रेडशीट्स या विद योर CRM. सो जैसे कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन देगा वो आपकी डायरेक्ट CRM में लैंड कर जाएगी. एंड फ्रॉम देयर एज यू हैव द कस्टमर इन्फॉर्मेशन आप उसको रीमार्केटिंग कर सकते हैं. लाइक यू कैन कॉल कॉल द कस्टमर्स, यू कैन पिच द कस्टमर्स बैक वियर न्यूज़लेटर्स, आप उनको रीच बैक कर सकते हैं एंड यू कैन सेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज. इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं यार, लीड्स हम फेसबुक से भी जनरेट कर सकते हैं बट वाई चैटबॉट्स? तो इसमें यह है कि आप जो फेसबुक से अक्सर लीड्स जनरेट करती हैं वो इतनी पोटेंशियल अक्सर नहीं होती, लाइक इतनी मेच्योर नहीं होती. बट विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट्स आप क्या कर सकते हैं, आप उनको जो लीड्स जनरेट हुई उनको एक फनल में ट्रांसफर कर सकते हैं. जहाँ एक फनल होगा, बॉट विल आस्क कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द कस्टमर एंड ऑन द सेट ऑफ दोस क्वेश्चंस लेट्स सपोज द कस्टमर आंसर दोस क्वेश्चंस pretty straight forward, आप उसे पास ऑन कर दें. बट अगर लेट्स सपोज आपका कोई कस्टमर क्वेश्चंस के मुताबिक जवाब नहीं देता तो आप उसे कैंसिल कर दें. सो इन दिस वे यू कैन मैच्योर द लीड्स एज वेल. सो दिस बिजनेस मेड लाइक मोर देन $500,000 इन जस्ट 3 months विद द हेल्प ऑफ अ चैटबॉट. ऐसे काउंटलेस स्टोरीज पढ़ी है नॉट जस्ट ऑन व्हाट्सएप बट ऑन अदर कंपनीज एज वेल. जॉब पढ़ सकते हो और आप अंदाजा सकते हैं हाउ मच पोटेंशियल अ चैटबॉट कैन ब्रिंग फॉर योर बिजनेस. एक दोस्त पूछ रहे हैं कि क्या सैलरी क्या चल रही है, क्या कहते हैं चैटबॉट डेवलपर्स की. तो मैं वैसे तो मुझसे जब ये लोग पूछते हैं कि सैलरी क्या चल रही है तो मैं क्लियरली बोलता हूँ कि भाई सैलरी वैलरी कोई लोकल मार्केट में जॉब ही नहीं है, आपने डायरेक्ट फ्रीलांसिंग करनी है. लेकिन अब जैसा कि सब जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नहीं यार अब पाकिस्तानी जो कंपनीज आपने लिस्ट बताई जाहिर इनको डेवलपर्स चाहिए और पाकिस्तान में जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उन्होंने अब बाहर मुल्कों से काम पकड़ना शुरू कर दिया. पहले वो सिर्फ वेब और मोबाइल का पकड़ते थे तो अब उन्होंने चैटबॉट का भी काम पकड़ना शुरू कर दिया. Exactly. तो उनको चैटबॉट के डेवलपर की उनको नीड होती होगी. तो क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या सैलरी है अभी? जी सो व्हेन आई स्पीक अबाउट द सैलरी, सो मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो फाइवर अपवर्क में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. और ये क्वेश्चन क्योंकि हम दो तरह से डिस्कस करते हैं, एक तो जो अगर आप किसी चैटबॉट एजेंसी में जॉब करते हैं जैसे बॉटसिफाई या ईओशन या दूसरी इन्फो भी कोई भी होगी, और एक होता है आप किसी मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम करते हैं. सो मार्केटिंग एजेंसीज क्या करती हैं कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे चैटबॉट प्रोवाइडर्स हैं उनसे वाइट लेबल लेके आके उनको आप सेल करती हैं. सो इन द लोकल मार्केट अगर मैं आपको सैलरी का कुछ बताऊँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 पर मंथ एज वेल, जिसमें लोग इंटर्नशिप करते हैं उसमें टोटली खातों को कुछ पैसे नहीं मिलते लेकिन उनको काम सिखा रहे होते हैं. एंड इट गोज राउंड द वे टू 3 लाख रुपए पर मंथ. जो मेरी दोस्त की एजेंसी है दे आर पेइंग समवेयर अराउंड 3 लाख रुपए अ मंथ फॉर द चैटबॉट डेवलपमेंट, क्योंकि इनके पास काम बहुत ज्यादा आ रहा होता है फ्रॉम द फाइवर फ्रॉम द अपवर्क. दे आर बिल्डिंग चैटबॉट्स ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, लाइक वो सिर्फ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं मैनी चैट पे, चैट फ्यूल पे, लैंडबॉट पे, बॉटसिफाई पे. उनको हर तरह कस्टमर मिलते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म से, जिसको किसी बायर के बंदे से काम करवाना होता है किसी फ्रीलांसर से. सो द सैलरी दैट दे पे टू योर एम्प्लॉय इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. कुछ लोग हैं जो 0 रुपए भी पर मंथ कमा रहे हैं एंड कुछ लोग हैं जो 3-3 लाख रुपए भी पर मंथ कमा रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉय नॉट द ओनर जो सैलरी ले रहा है वो. अच्छा वेल डन यार, तो बड़ी अच्छी सैलरीज हो रही है. मेरा ख्याल है वेब डेवलपमेंट में भी इतनी सैलरी तक पहुंचने के लिए ना बंदे को 5-6 साल तो लग जाते हैं. मार्केट में गैप नहीं है जो मैं आपको कह रहा था, और ये मैं कहूंगा सारे स्टूडेंट्स का खुद जाकर रिसर्च करें. आप अपवर्क पे चले जाएं आपके पास बेतहाशा चैटबॉट्स के प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन आप सिर्फ एक चीज देखेगा उन प्रोजेक्ट्स के नीचे बेट्स कितनी हुई है, आपको वहां से अंदाजा हो जाएगा कितने लोग इस पे अप्लाई कर रहे हैं. सो कॉम्पिटिशन है ही नहीं ऑनलाइन तो इसके मामले में फ्रीलांसिंग में. सही है यार, वेल डन, जबरदस्त.
अच्छा, तो हम जिक्र कर रहे थे लोकल मार्केट का, तो लोकल मार्केट को हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं। उसामा ये बताएं, आप जैसे बॉट्सिफाई में हैं, तो बॉट्सिफाई का चैटबॉट आपने बताया कि पीटीसीएल, जैज, जोंग वगैरह इन लोगों को भेजा, तो जरा कुछ स्टोरीज मुझे बताएं कि जब आप लोगों के पास गए चैटबॉट उनको सेल करने, तो क्या उनके पेन थे? जैसे आपने एक दो जिक्र किया, तो चैटबॉट इज गोइंग टू ऑटोमेट द कॉल सेंटर सपोर्ट सब एवरीथिंग, कुछ। तो कौन सी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो बॉट्सिफाई का आप जिनको बेच चुके हैं चैटबॉट, और क्या उनका प्रॉब्लम था जो आपके चैटबॉट ने सॉल्व कर दिया उन्होंने? अंडरस्टूड। सबसे पहले यानी जो क्योंकि मैंने लोकल मार्केट में इतना काम किया नहीं है, हमारे पास मुख्तलिफ टीम्स इन बॉट्सिफाई जो मुख्तलिफ एरियाज कवर करते हैं। मैं ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में था। सो मगर आपको अपनी बताऊँ तो आई गॉट अ चांस टू वर्क विद कपल ऑफ ब्रांड्स, जिसमें जीप है, जीप फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फ्रॉम फिलीपींस। मुझे मौका मिला, जिस तरह हमारी रोलेक्स होती है इस तरह कंपनी है बाय द नेम मूवार्ड, वॉचेस बनाती है प्रीमियम वॉचेस। उनकी वॉचेस की प्राइस अक्सर अक्सर जो एक बंदा साल में पाकिस्तान में कमाता है, उनकी एक वॉच की प्राइस उतनी होती है। लेकिन इमेजिन कितना हाई टिकट वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो कुछ क्यूरीज जो प्रॉब्लम्स जो कस्टमर आते हैं जो बॉट से वो चाहते हैं कि ऑटोमेट करो, सबसे पहले वो ये है कि वो थक चुके होते हैं सेम और सेम प्रॉब्लम को कस्टमर को बता बता के आंसर। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 60% ऑफ द 60 to 80% ऑफ द एफएक्यूज आर सेम कस्टमर को। या तो जैसे मोबार्डो था, मोबार्डो मुझे याद है जब वो आए थे तो क्रिसमस का वक्त था और दे वर रनिंग क्रिसमस डिस्काउंट, क्रिसमस प्रमोशन, और उनके पास यही था कि रेगुलर क्यूरीज आती है कि व्हेन आई विल रिसीव माय वॉच, हाउ कैन आई ट्रैक माय प्रोडक्ट। या तो जैसे ई कॉमर्स से बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं कस्टमर्स को, अक्सर प्रोडक्ट ट्रैक करना होता है, कस्टमर्स को अक्सर शिपिंग कैंसिल करनी होती है, कस्टमर को अक्सर कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्यूरी होती है या मसला होता है जो उसको डिस्कस करना होता है। अगर आप एक मैनुअल बंदे को बिठाएंगे तो यू कैन इमेजिन, अगर आपके लेट सपोज आपके इंस्टाग्राम स्टोर मिसाल के तौर पर आपके इंस्टाग्राम पे 100K यानी 1 लाख बंदा आपको फॉलो करता है, सो यू कैन इमेजिन दिन में आपसे 50 से 100 या 1000 बंदा, अप टिल 1000 बंदा दिन में आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपके लाइव रिप्रेजेंटेटिव से, यार मेरे मुझे मेरा प्रोडक्ट कब मिलेगा, या मुझे अपना प्रोडक्ट वापस करना है, या मेरे प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई है, फॉल्ट आ गई है, मुझे मुझे समझाओ क्या करना है। अब ये बंदा अगर आप 10 बंदे बिठा दोगे तो कितना टाइम कंज्यूम होगा सेम क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करने में। सो इस पर क्या करते थे वो कंपनीज में ई कॉमर्स से मिसाल देते कि बॉट लगाती हैं, बॉट के साथ ये होगा कि आपको कस्टमर किस अगर कहा कहता है कि आई वांट टू ट्रैक माय ऑर्डर, बॉट वो ट्रैकिंग आईडी मांगता है, बॉट उसको ट्रैक करता है, उसको स्टेटस बता देता है। कस्टमर बोलता है आई रिसीव्ड अ फॉल्टी गुड, बॉट बोलता है ओके कैन यू सेंड सम पिक्चर्स, पिक्चर्स भेजता है और उसके बाद उसको यानी तरीका बता देता है कि सेंड द प्रोडक्ट बैक टू दिस और दिस इज एड्रेस ये वो, और हमारी टीम इवैल्यूएट करके अगर वाकई में फॉल्टी हुआ तो विल रिफंड यू या विल शिप यू द न्यू प्रोडक्ट। कस्टमर को अक्सर बेसिक क्यूरीज होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, यानी इसमें साइजिंग क्या क्या मिलेगी, इसमें मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये फिट आएगा प्रोडक्ट, या मुझे मुझे इस चीज़ के लिए मैं लिख रहा हूँ क्या मिलेगी, प्रोडक्ट सही होगा या नहीं, या मुझे ये कलर चाहिए। नाउ दीज आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स जो हर कस्टमर यानी हर दूसरे तीसरे कस्टमर के पास सेम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप एक लाइव पर्सन बिठाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उनको रिस्पॉन्ड करना। तो आप बॉट लो एंड फॉर द सेम क्यूरीज आप बॉट रिस्पॉन्ड कर देगा, एनी क्यूरी जो बॉट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा वो आप एस्केलेट कर सकते हैं टू द लाइव पर्सन, बिकॉज चैटबॉट्स में लाइव एजेंट का भी ऑप्शन होता है। सो द बॉट इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड, वो क्यूरी एस्केलेट हो जाएगी लाइव एजेंट और वो रिस्पॉन्ड कर देगा। सो इफ आई मेक इट सिंपल, अगर हम बिल्कुल इसका कट शॉर्ट करें, सो जो बिजनेसेस ये चाहते हैं कि उनका जो बर्डन है उनके कस्टमर सपोर्ट टीम के ऊपर जो है वो मिनिमाइज हो जाए, मैक्सिमम बर्डन चैटबॉट्स ले लें, और जो दो तीन चंद क्यूरीज होती है जो बॉट नहीं रिस्पॉन्ड कर सकते वो चैट वो लाइव एजेंट रिस्पॉन्ड कर दे उनको। सो दैट्स द मेन थिंग व्हाई मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर लुकिंग टुवर्ड्स चैटबॉट सॉल्यूशन या ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। अच्छा, ये शहरयार ने एक और क्वेश्चन पूछा है। जी, वन क्वेश्चन फॉर ओसामा भाई। सर, एक पर्सन जॉब करने के बजाय अगर अपना सॉफ्टवेयर कंपनी बनाता है और चाहता है कि वो वैसे क्लाइंट्स गेन करे, कौन से वेज है जिससे वो मार्केटिंग करके मैं गाइड करता हूँ अदर देन फाइवर एंड अपवर्क? अच्छा, ये इससे पहले मैं आपको एक जरा बात बताऊं, देखें ये मेरा भी यही असल मेरा भी यही प्रॉब्लम है। मैं अभी तक ना फ्रीलांसर हूँ, अभी तक मैं अपने फ्रीलांस बिजनेस को मैं एक्चुअल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया। अच्छा, रीजन उसका मेन सिंपल सा है कि मैं आई एम नॉट अ बिजनेस गाय, बिजनेस करना नहीं आता है मुझे। ये भाई एक्सेप्ट करने की बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब ये मेरी एक वीकनेस है, आई एम ट्राइंग टू कोप इट अप कि मैं थोड़ी बहुत बिजनेस सीख रहा हूँ उसामा भाई। अच्छा, तो अब जैसे अभी ये अभी कोर्स है ना चैटबॉट का, जो आप उसामा भाई जिक्र कर रहे थे कि यार ये प्रॉब्लम है कि एक ही सवाल का बंदा कितनी बार जवाब दे, तो ये मेरे साथ ये हुआ हुआ है अभी इस वक्त। व्हाट्सएप का मैंने ग्रुप बना तो दिया लेकिन उसमें इतने सारे सवाल आता है कि मैं अभी तक उसका जवाब किसी का भी दे ही नहीं पाया। तो मैंने अल्टीमेटली मैंने कहा यार मैं ऐसे भी लाइव आ रहा हूँ पॉडकास्ट में और यहीं पे मैं स्क्रॉल करके ना जवाब दूंगा सबका, तो क्या कहते हैं सब लोग यहीं पे सवाल पूछ लो भाई। कौन इतना वो दिन भर वो कभी भी बज जाता है फोन, रात को भी बज जाता है 12 बजे 1 बजे 2 बजे और ये सबके सब प्रॉब्लम है।
हर सुबह बिजनेस 5 बजे ओनर के साथ उठ के प्रॉब्लम है। जवाब दे रहा होता हूँ। तो मुझसे किसी ने दोस्त ने कहा कि सर आप तो चैटबॉट का कोर्स पढ़ा रहे हैं तो आप अपने लिए क्यों नहीं बना रहे चैटबॉट। अबे भाई मैं बिजनेस का बंदा नहीं हूँ, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि ये बनाओ। उसने बेचारे ने रिसर्च की भी होती है पहले, सर्वे वर्वे जो करना होता है वो सब किया हुआ होता है। मुझे वो पेपर पे लिख के देता है कि यार ये बनाना है, मैं उसको बना के दे देता हूँ। तो अच्छा फिर दूसरा ये कि टाइम तो है वैसे ही नहीं है। तो क्या कहते हैं ये जो स्टूडेंट अभी इनरोल होंगे ना, तो होपफुली इन्हीं के साथ मिलके कोई हम रिसर्च करेंगे कुछ और इस मसले को भी हल करेंगे जो हम मेरा खुद का प्रॉब्लम है जो ये। तो पहली बात तो ये कि शहरियार अगर तो आपको खोलनी है ना अपनी कंपनी, तो आपको चाहिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस के बंदे हैं तो फिर तो बात अलग है, आप डेवलपमेंट सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डेवलपर हैं तो बिजनेस को पूरा सीखने के बजाय मे बी उसामा भाई जैसा कोई बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा। ये तो मेरा ओपिनियन है, अभी उसामा भाई का भी ओपिनियन लेते हैं कि वो मैं क्या है, बताता हूँ। कि आपको जो है ना कोई बंदा चाहिए बिजनेस वाला। ये अपवर्क फाइवर पे आप खुद अगर बैठ जाएंगे ना तो आप अपने लिए तो जॉब पकड़ लेंगे। मैं अपनी बात करूं, मैं अपवर्क फाइवर पे बैठ के अपने लिए तो जॉब पकड़ लेता हूँ इजिली, लेकिन मैं अपनी टीम के लिए जॉब पकड़ना दिस इज अ होल डिफरेंट थिंग। उसामा और भाई क्या डिफरेंट थिंग ख्याल है, बिजनेस का एक बंदा चाहिए होता है राइट? मैं गाइड करता हूँ आपको। अब अगर आप बुक पढ़ें सेल लाइक क्रेजी बाय साबरी सूबी ना, तो इसमें सबसे बड़ी वो कहते हैं, जो एक बिजनेस ओनर सबसे क्या बड़ी आपने गलती नाम क्या करता बताया? है, सेल लाइक क्रेजी, ऐसी सेल लाइक हर लाइक क्रेजी। क्रेजी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो भी अपनी मार्केटिंग एजेंसी, सॉफ्टवेयर एजेंसी रन करता है इन ऑस्ट्रेलिया बाय द नेम किंग कॉन्ग डॉट को। शायद बोस्ट बोस्ट स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेयर, सेल लाइक क्रेजी बाय साबरी सूबी एंड हिज कंपनी इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केटिंग एजेंसीज इन अच्छा ऑस्ट्रेलिया ना। उसामा, ये अज्यूम मत कीजिएगा कि किसी ने ये कुछ पढ़ा हुआ होगा। ये सारे जो देख रहे हैं ना ये सब डेवलपर्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, या कोई ठीक कॉलेज वगैरह के होंगे। तो आप कोई भी ऐसी चीज अज्यूम ना करें कि इनको पहले से पता होगी। आप वो नाम है, ठीक बता है, दें मैं से जरा बताता हूँ क्या। उस वक्त में वो पता है क्या बात करता है, वो कहता है जो बिजनेस ओनर होते हैं ना, सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो सारे काम खुद करने की कोशिश कर रहा होता है। या मैं इसको सिंपल टर्म से बताऊं, वो काम जो आप $10 पर आवर पे आउटसोर्स करवा के करवा सकते करके करवा सकते हो, आप वो काम भी खुद करने की कोशिश करते हो। लाइक लेट्स सपोज एक बिजनेस ओनर है, वो कंटेंट भी खुद लिख रहा है, वो मार्केटिंग भी खुद रख रहा है, वो डेवलपमेंट भी खुद कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन भी खुद कर रहा है ना। वो सब जब ये सारा काम कर रहे होते हैं ना, तो जो उसका मेन फोकस होना चाहिए एक बिजनेस ओनर का जो होती है मनी नीडल, उससे उसका टेंशन हट जाता है कि रेवेन्यू किस तरह कंपनी में लेके आते रहे ना, रिकरिंग रेवेन्यू और जैसे वन टाइम रेवेन्यू। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो सबसे पहले आपको टीम रखनी है अपने साथ, लाजमी नहीं कि टीम आप किसी को पेड पे ही रखो, यू कैन गेट टीम ऑन रिमोट बेसिस एज वेल, यू कैन गेट टीम ऑन कमीशन ओनली बेसिस, बहुत सारे तरीके होते हैं आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। नंबर सेकंड, आपने अपना सॉफ्टवेयर हाउस लॉन्च करना है, किस तरह करेंगे, वेरी सिंपल। फाइवर अपवर्क से आप कभी भी फॉर्चून नहीं बना सकते, इट्स गुड कि आप फाइबर अपवर्क पे आप जाएं लाइव हो अपने सर्विसेज बेचें, लेकिन वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और आप अगर हिशाम सर्वर को फॉलो करते हैं वो भी यही कहता है, कोशिश ये करो कि फाइबर अपवर्क पे आपके जहाँ गिग्स हैं वहाँ 50 गिग्स और हैं, हर $5 में सर्विसेज दे रहा है, तो आपसे कस्टमर क्यों प्रीमियम प्राइस, आप कस्टमर कैसे प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी एक वेबसाइट बना, एक पोर्टफोलियो बना, और इस वेबसाइट पर शुरू में कुछ डिजिटल एड्स चलाओ, मार्केटिंग करो, पैसे से ही पैसा बनता है, आपको पैसा लगाना पड़ेगा टू अर्न मनी ना। आप कुछ एड्स चलाओ, आप इंटरनेशनली ना रन करो लेकिन लोकल मार्केट में एड्स रन करो, आपको लोकल मार्केट से अच्छा खासा काम मिल जाएगा। नंबर सेकंड है जो सबसे ज्यादा लोग फोकस नहीं करते, वो थे SEO। आपको सब फोकस करना पड़ेगा SEO पे। 5 to 6 months तो आपको ऐसा लगेगा आपसे पैसा फेंक रहे हो, लेकिन 6 months जब उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, जब ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके ऊपर वेबसाइट पे लैंड होना शुरू होगी आपके बिजनेस में, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग सम प्रीमियम कस्टमर्स। और एक कस्टमर जो फाइबर के बजाय, अगर एनी मैं मिसाल दूं, आप फाइबर पे जाते हो या आप दूसरे फाइबर पे जाते हो, तो यू कैन सी पीपल ऑफरिंग चैटबॉट सर्विसेज फॉर $5 to $10 एज वेल, लेकिन व्हाट्सएप वी आर एबल टू सेल इट फॉर $150 per month, ईओशन इज एबल टू सेल फॉर $300 to $400 per month। वो कैसे सेल कर रहे हैं, एक ही तरीका है कि आप कस्टमर को डायरेक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लैंड करा रहे हो, सिंस कस्टमर के दिमाग में सिर्फ आपका बिजनेस चल रहा होता है, ना कि किसी और का, कि 5, 10, 15, 20। फाइबर पे ऐसा नहीं होता, फाइबर पे आपकी गिग है बराबर में 5 वाले की गिग है, उसके बराबर में 10 वाले की गिग है, तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा होता है कि कस्टमर कहता है यार जो दूसरे तीसरा कन्फ्यूज हो जाता है, आप चार्ज नहीं कर सकते। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन करना है तो सबसे पहले तो आपको टीम बनानी पड़ेगी काबिल लोगों की, डजेंट मैटर आप उनको पेरोल पर रखते हो या कमीशन ओनली है, जो भी है वो आपके टैलेंट आप कैसे करते हो। नंबर सेकंड है, आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, पेड एड्स की तरफ जाना ही पड़ेगा टू ब्रिंग सम ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। अगर आप पेड एड्स पे नहीं जाओगे तो ये उम्मीद खोदो कि आप कोल्ड कॉलिंग है, कोल्ड आउटरीचिंग, बिल्कुल कोल्ड आउटरीचिंग करके कस्टमर ग्रैब करोगे। आपको इनबाउंड लीड्स की जरूरत होती है, हाँ इनबाउंड जब लीड्स आती हैं तो फिर आप उनको कॉल्स करके उनसे उनको ईमेल्स करके आउटरीच करके कर दो, लेकिन टोटली आउटबाउंड आप करोगे तो शायद जिंदगी गुजर जाए और आपको क्वालिटी कस्टमर्स बहुत कम ही मिलेंगे। सही। अच्छा तो हमने ये सीखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक स्किल होना इज अ डिफरेंट थिंग और बिजनेस ओनर होना इज अ डिफरेंट थिंग। तो बिजनेस इट्स अ ओनर डिफरेंट जब थिंग। सोच लिया आपने शहरयार कि आपने बिजनेस करना है,
यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. एग्जैक्टली. मैं अभी तक जो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं अभी अपनी अगर बात करूँ तो मैं अभी तक जो सोचता हूँ वो मैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर सोचता हूँ. लेकिन अब मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया है कि यार बिजनेस कैसे रन होता है. बिजनेस क्योंकि पैसे तो कमा लिए, जॉब्स कर ली छोटी मोटी जो जो करनी थी जहाँ आना था, तो पढ़ने पढ़ाने का भी शुरू से रहा, तो पढ़ा भी लिया, सब कुछ कर लिया. लेकिन पैसे अभी तक मैंने खुद भी वो सही पैसे नहीं कमाए जो जो इसकी सही पोटेंशियल है चैटबॉट की, वो मैं भी अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा. तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ. उसामा से मैंने दोस्ती लगाई है, इसीलिए कहा जाता है कि 70% एजुकेशन ना आपकी दोस्त करते हैं. तो इसलिए उसामा से मैंने दोस्ती लगाई है. तो आप भी कोई दोस्त हो? मैं इसका सर एक बहुत रेलेवेंट स्टोरी सुनाता हूँ ना. जब एप्पल लॉन्च हुआ था तो एप्पल के दो फाउंडर थे, स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिक. स्टीव वॉजनिक वो गुड इन सॉफ्टवेयर इन हार्डवेयर, और स्टीव जॉब्स कोडिंग नहीं, कोडिंग में अच्छा नहीं था, बट स्टीव जॉब्स वो गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग. आज स्टीव जॉब्स मरे हुए 2011 में, आई गेस मारा था, उसको दुनिया जानती है उसको. आप किसी भी पूछो लेम पर्सन से कि एप्पल का फाउंडर कौन है, दे विल टेल स्टीव जॉब्स. स्टीव वॉजनिक आज भी जीता है, लेकिन कितने को पता था कि स्टीव वॉजनिक भी वॉज वन ऑफ द एप्पल फाउंडर. जो कोडिंग वाले होते हैं, जो डेवलपर होते हैं, वो अक्सर औकात या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या बैकएंड पे होते हैं. जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले होते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम द फेस ऑफ द कंपनी. सो अगर आप कोडिंग वाले हो और अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो माइट पॉसिबल यू नीड टू हायर समवन फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड, या आप किसी के साथ कोलैबोरेशन करके या पार्टनरशिप करके सर्टेन इक्विटी देके कुछ इस तरह करके उनके साथ कर दो कि फॉर द सेल्स एंड मार्केटिंग दैट दिस पर्सन विल बी हैंडलिंग द टास्क, एंड फॉर द बैकएंड टास्क आई विल बी द वन जो जो कोडिंग बैकग्राउंड से. अच्छा, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि चैटबॉट का कोर्स करने के बाद स्टार्टिंग कहाँ से करें, जिसको प्रोग्रामिंग का लिव भी नहीं आता वो कहाँ से स्टार्ट करे, इतनी बड़ी बड़ी बातों की सारी. तो पहली बात तो ये कोर्स जो डिजाइन हमने किया ना, ये हमने किया एब्सोल्यूट बिगिनर्स में. अच्छा भाई, जिसको ना कुछ भी नहीं आता, प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, पैसे भी नहीं है, तो भाई आपको फिलहाल बिजनेस को छोड़ दें आप. ठीक है, आप पहले ये अलिफ बे सीखें प्रोग्रामिंग की, और आप जॉब करें. जैसे कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया इससे पहले भी, और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी बताता रहा हूँ कि भाई ये कोर्स करने के बाद ना आपके पास दो ऑप्शन होंगे. नंबर एक, लोकल मार्केट में जो जॉब्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आप पेड इंटर्नशिप ढूंढें, या आप जूनियर चैटबॉट डेवलपर की पोजीशन के लिए हंट करें, ये आपको मिलेगी, इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी. नंबर दो, फ्रीलांस पे काम करें. $200-$500 जितने वाला भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है आप उसको पकड़ें, उसमें अपना हाथ सेट करें, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करें. उसके बाद आप जब आपका किचन चलना शुरू हो जाए, तो जब तक आपकी जो, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पढ़ाई का खर्चा, आपके किचन का खर्चा उसमें से निकलना शुरू हो जाए. ठीक है, या आप कोई एग्जिस्टिंग जॉब कर रहे हैं तो आप जो आपकी सैलरी है उतना आप अगर आप कमाना शुरू कर दें यहाँ से फ्रीलांसिंग वगैरह से, तो फिर आप जो है ना आगे सोचें बिजनेस वगैरह की तरफ. क्योंकि बिजनेस, जैसा उसामा ने भी जिक्र किया कि भाई पैसा फेंकने वाली बात है, पैसा डूबता भी है बिजनेस में, तो कोई आपको सेविंग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है. फिर आप बाद में बोलेंगे यार मेरी सारी सेविंग अम्मी के जेवर बेच के मैंने लगा दी है चैट. ना ना, ऐसे कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. उसामा भाई और मैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, सही है, ये अपने रिस्क पे करेंगे आप. तो बिजनेस करने मैं फिलहाल बोल भी नहीं रहा आपको, क्योंकि मैं खुद भी अभी उस तरह से मैं बिजनेस किया नहीं, मैं खुद फ्रीलांसर हूं अभी. तो मैं जब खुद ही नहीं कर रहा तो मैं आपको मैं खुद सीख रहा हूं अभी, तो आप भी सीखें. अच्छा, और क्या कह रहे हैं, ये मेरी दोस्ती भी करवा दें उसामा. उसामा भाई को तो क्या कहते हैं, मेरे जैसा कोई बंदा हो ना तो मुझे तो खिला पिला के आप मेरे से दोस्ती लगा सकते हैं. मुझे आप दावत देंगे यार, आपको निहारी खिलाफ जबरदस्त, तो मुझसे तो ऐसे दोस्ती हो जाएगी. लेकिन उसामा भाई का अभी पता नहीं, मुझे तो उसामा भाई किस्मत से मिल गए, थोड़ी अच्छी बातचीत हो गई. सर आप, मैंने आपको ढूंढा है क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरेस्टेड था इस नीच में, और बल्कि आप मेरे लिए नेमत बन कर आए कि जब आपने कोर्स लॉन्च किया ना, बस फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड मुझे चीज़ बेचनी तो आती थी, लेकिन मुझे चीज़ का इन डेप्थ यानी बनाना नहीं आता था. मोटी मोटी चीज़ें तो मैं भी बना दूँ, और लेकिन जो आप जो पढ़ा रहे ना उससे पता है मेरे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जहाँ मैं चीज़ अगर 150 की बेचा था ना, अब मैं इसको 200 की बेच पाऊंगा. क्यों? क्योंकि कस्टमर्स अक्सर ऐसे रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं, हमें क्लिक 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 तो चाहिए, लेकिन हमें सर्टेन इंटीग्रेशन चाहिए प्लेटफॉर्म के तहत. लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर हो गया, अक्सर बल्कि अब तो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर बोल रहे हैं कि हमें डायलॉग फ्लो के साथ इंटीग्रेशन चाहिए ही चाहिए अपने चैटबॉट में. अब मुझे अगर आता होगा तभी तो मैं इसको बेच पाऊंगा, लेकिन अगर मुझे सिर्फ मोटी मोटी चीजें पता होंगी, लेकिन डायलॉग फ्लो का नहीं पता होता, आई वाज नॉट एबल टू सेल माय सर्विस एट अ प्रीमियम प्राइस, जो मैं आपके कोर्स के बाद अब कर सकूंगा. इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि आपका ये कोर्स है जिसके बाद हम सारे अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं. तो अभी मुझसे ना लोग अक्सर पूछते हैं हमें भाई, यार ये आप सर, आप फ्रीलांसिंग करें ना पूरा टाइम, आप इतने अच्छे पैसे मिलते हैं, तो आप ये पढ़ने पढ़ाने में क्यों अपना टाइम लगा रहे हैं? सर कम्युनिटी को भी तो सर्व करना होता है ना. आप सिर्फ खुद ग्रो नहीं होते, आप चाहते हो कि अभी कम्युनिटी भी ग्रो करे, जो हम सारे आपकी कम्युनिटी है. सो फ्रीलांसिंग अगेन, बंदा हर बंदा अपने नफ्स का सोचना शुरू हो जाएगा, तो हम एज एन ऑल एज अ कंट्री कैसे ग्रो करेंगे?
मेरे साथ ना दो मसले हैं जिसको मैं टीचिंग करके सॉल्व करता हूँ। नंबर एक मसला कि मैं कमरे में बैठा बैठा कोडिंग करके ना मैं हो जाता हूँ बोर। बोर वो भाई सीधी सी बात है, मुझे बोरियत होनी शुरू हो जाती है, मुझे चाहिए कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ हड़ावड़ी, कुछ बातचीत, कुछ फ्रंट फेसिंग कुछ चाहिए मुझे। तो एक तो मेरी ये जो मतलब बोलने की आदत है बचपन से, पढ़ना पढ़ाना रहा है, मेरी अम्मी भी टीचर थी किसी जमाने में, 20 साल तक मेरी अम्मी ने टीचिंग भी की है, मतलब शादी वगैरह के पहले। ब्लड में जो है वो कुछ है इस तरह का कि जब तक मैं लंबी लंबी हाँकू नहीं ना कहीं बैठ गया तो मेरा खाना हजम नहीं होता। तो एक तो मेरी ये क्रेविंग पूरी होती है इससे। दूसरा ये कि भाई टीचिंग करके भी पैसे मिलते हैं, कोई मैं फ्री में थोड़ी कर रहा हूँ, तो पैसे के लिए कर रहा हूँ टीचिंग में। और लेकिन आपके प्राइस बहुत रीजनेबल है, लाइक यू आर चार्जिंग नेक्स्ट टू नथिंग। आप जितना आप इसको बेनिफिट मिले कोर्स, लाइक आपकी फीस 6,000 है गाइस 3 to 4 months, जो कुछ भी नहीं है, और इसके बाद जो आप अपने स्किल्स ऑफर करना शुरू कर दोगे, लाइक यू कैन अर्न मोर देन $6,000 इन जस्ट फर्स्ट ईयर। आप 2022 के आखिरी क्वार्टर जब शुरू होने वाला है, जो नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इट्स द फास्टेस्ट क्वार्टर इन द ईयर ना। हर कंपनी को चाहिए होता है कि अपने सेल्स फिगर टच करे, हर कंपनी को बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स चाहिए। अगर आप 1 से 2 महीने में आपके कोर्स से इतनी नॉलेज गैदर कर लेते हैं, तो आप विद इन द कोर्स पीरियड आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे ऑफर करना शुरू कर सकते हैं। और अगेन थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, आपसे नहीं होता मसला नहीं है, जस्ट ग्रैब द क्लाइंट, और आप ही के स्टूडेंट्स, आप ही कम्युनिटी में से किसी पास स्टूडेंट से वो काम करवा के कुछ पैसे उसको दें, कुछ आप रखें, और यू बोथ विल बी हैप्पी। ओके अच्छा, और थोड़ा सा एक ये भी है कि भाई मुझे भी जिन लोगों ने पढ़ाया है तो उनकी भी बड़ी मेहनत है, वरना अगर मैं मुझ पर वो मेहनत ना करते मेरे टीचर्स तो आज मैं शायद यहाँ पर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मेरे पे कर्ज भी है कि यार मुझे भी जाहिर है, क्योंकि मैं अगर अभी इस काबिल हूँ ना तो मैं इस पर गरूर नहीं कर सकता, मैं इस पर घमंड नहीं कर सकता कि मैंने तीर मार लिए इतने बड़े, ठीक है, क्योंकि वो तो किसी और की मेहनत है जिसने अपना टाइम सारा मेरे पे लगाया और सारी मेहनत की। बाय द वे मैं बड़ा टफ स्टूडेंट हुआ करता था अपने टाइम पे, मैं अगर मैं क्लास में बैठा हुआ ना तो मुझे अगर कोई चीज समझ नहीं है मैं क्लास को आगे नहीं बढ़ने देता, और अगर वो टीचर मेरी बात को वैल्यू तो मैं फिर वो क्लास ही छोड़ देता, जैसे मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। बाय द वे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, वो मेरे समझ ही ना वो मेरे, तो मैंने छोड़ दी, मैंने कहा दफा करो। तो मैं जिस क्लास में बैठता हूँ ना तो वो फिर मैं पूरा मैं सवाल करता हूँ, टीचर थोड़ा शायद जो प्रिपेयर हो गया नहीं आया ना तो वो थोड़ा घबरा जाता है, यार ये क्या कर रहा है। तो मैं बड़ा टफ किस्म का स्टूडेंट हुआ करता था। तो अब कहीं ना कहीं देखिए मुझे ये अभी जैसे उसामा भाई से मेरी दोस्ती हो गई, तो ये अगर मैं टीचिंग नहीं कर रहा होता ना तो ये मुझे नहीं मिलते। तो बहुत सारे मुझे फायदे हैं, फाइनेंशियली भी और मोरली भी, और यानी साइकोलॉजिकली मुझे, क्योंकि एंटरटेनमेंट चाहिए तो मुझे सब कुछ पूरा पैकेज मिलता है जब मैं टीचिंग करता हूँ काम करने के साथ साथ। तो आपकी दोस्ती मैं नहीं करवा सकता, आपको कुछ अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, या उसामा भाई बता दें कि उनसे दोस्ती करने का क्या ट्रिक है। मे बी इट्स नॉट सिर्फ मेरे साथ नहीं ना, मैं इनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले अपने लिंक्डइन अकाउंट्स बनाएं, फेसबुक से थोड़ा सा बाहर निकलें और थोड़े प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करें, लेट्स से लिंक्डइन हो गया या ट्विटर हो गया, और उसके बाद इतना ईजी होता है, नॉट जस्ट इन व्हाट्सएप बट यू कैन एक्सप्लोर लाइक लैंडबॉट हो गया, चैटफील्ड हो गया, मैनी चैट हो गया। अब उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स पर जाएंगे तो वहाँ उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपको वहाँ उनके एम्प्लॉयज़ का मिल जाएगा। आप सबसे सिंपल काम ये कर सकते हैं कि आप उनको एड एक पर्सन सा एक मैसेज बनाए एक अच्छा सा, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर कंपनी, आई बीन फॉलोइंग योर कंटेंट सिंस अ व्हाइल एंड आई वुड लुकिंग टू मेक अ कनेक्शन विद यू, और आप उनको अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। सो हजरत अली के कॉल है जिसका मफहूम है कि इंसान अपनी महफिल से पहचाना जाता है। आप 5 गरीब लोगों में बैठोगे, 6ठे गरीब आप हो गए, 5 अमीर लोगों में बैठोगे, 6ठे अमीर आप हो गए। सो अगर आप अपने आप को सारे चार्टर्ड कम्युनिटी के लोगों से जोड़ लोगे, और जिसमें मल्टी मिलियन डॉलर कंपनीज के लोग होते हैं चार्टर्ड कंपनीज, सो अब ऑटोमेटिकली आपका खुद ब खुद ग्रो हो जाएगा, और आपकी प्राइसिंग ग्रो हो जाएगी, आप प्रोफेशनली या पर्सनली या फाइनेंशियली आप खुद ब खुद ग्रो हो जाओगे। मेरा हैक तो यही है कि अपने आप को लोगों से जोड़ो, नॉट ऑन फेसबुक, फेसबुक भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। सही, तो हमने ये चैटबॉट की एक तो ये वाली बात कर ली कि भाई लोकल कंपनीज कौन कौन सी हैं, आपका एक्सपीरियंस हमने देखा कि आप किस्म के चैटबॉट आप बना रहे हैं, फिर हमने ये देखा कि इसमें जॉब्स वगैरह क्या है, उसके पैसे क्या हैं, चैटबॉट की जो है कहाँ कहाँ पे किस किस यूज केसेस में चैटबॉट इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा अब जरा सा मुझे उसामा, इंटरनेशनल मार्केट का आपका बड़ा एक्सपीरियंस है आपने जिक्र किया, तो जरा मुझे इंटरनेशनल मार्केट का बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट से कैसे वो डिफरेंट है, क्या क्या वो बहुत आगे निकल गए हमसे, या काइंड ऑफ हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, या हम उनसे आगे हैं, क्या चक्कर, किस किस्म की रिक्वायरमेंट की क्या क्या डिफरेंस है यहाँ पे और वहाँ हमारे पास।
अगर आप दूसरी रैंडम फील्ड्स की बात करें, लेट्स सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट, मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग जो एक नॉर्मल कर रहे होते हैं, या वीए या अमेजोन कह लो, तो आपसे बहुत आगे हैं. लाइक लेट्स सपोज यू कैन से कि जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ के वो एब्सोल्यूट हो चुके हैं उनके पास. लेकिन अगर हम इफ वी जस्ट टेक टू चैटबॉट इंडस्ट्री या चैटबॉट मार्केट, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि ये अभी मार्केट अपने आप को डिफाइन कर रही है. इस पर टोटली कस्टमर ने डिफाइन नहीं किया कि उनको चाहिए क्या. सो अभी हम और अगेन बॉटसिफा और हम जैसे जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज और इंडियन बेस्ड कंपनीज मार्केट में, इसी वजह से है कि मार्केट अभी इवॉल्व हो रही है, कंप्लीटली इवॉल्व हुई नहीं है. इसी वजह से फॉर द चैटबॉट नीश हम मार्केट के बराबर ही हैं. 80-90% दे आर गिविंग द सेम सोल्यूशन, लाइक अ क्लिक 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 बॉट, मल्टीपल ऑप्शन विल पॉप अप ऑन द स्क्रीन. कस्टमर किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करेगा, नेक्स्ट फ्लो विल पॉप अप. सो चैटबॉट ऐसी नीश है जिससे मार्केट के साथ हम अभी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव रिलेशन में चल रहे हैं, वो भी इसी मकाम पे जिस मकाम पे हम हैं. लेकिन आफ्टर 1 or 2 years जो इसमें NLP को ऐड कर देगा, जो इसमें AI फीचर्स ऐड कर देगा, दे विल डोमिनेट द मार्केट. उसके एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिल जाएगा. जो आप कोर्स बता रहे हैं, जो दूसरे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से जो NLP बेस्ड बॉट्स एंड AI बेस्ड कोर्सेज या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इफ यू आर एबल टू ब्रिंग AI इन द चैटबॉट इंडस्ट्री और AI को आप लिंक कर सकते हो, तो यू विल बी द वन हु विल बी डोमिनेटिंग द मार्केट. या अगर आप मार्केट डोमिनेट नहीं भी कर रहे, तो आप मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट कैप्चर कर लोगे, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है. अब सेकेंड है कि इंटरनेशनल मार्केट के कस्टमर्स लोकल मार्केट के कस्टमर से किस तरह कम है. सो मैं आपको लोकल मार्केट के रेट बता रहा था. वी आर चार्जिंग लाइक $149 पर मंथ इन बॉटसिफाई. बाय द वे यू गाइस कैन चेक आवर वेबसाइट एज वेल, botsify.com. साथ आप जाके देख सकते हो, वी हैव अ वंडरफुल वेबसाइट, प्राइसिंग सब कुछ मेंशन है विद द क्लाइंट्स एज वेल. स्प्राइट के साथ हमने काम किया था लोकल मार्केट में, और काफी सारी कंपनीज हैं जिसका नाम मैंने अभी लिया भी नहीं है. यू कैन फाइंड द लोगोस इन वेबसाइट. अब हमारे प्राइसिंग तो $149 प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप जाते हो, सो आई नो पीपल जो चार्ज करते हैं $100 per hour फॉर द बॉट डेवलपमेंट फॉर ऑन द नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म. एंड लेट्स सपोज अगर आप उसको जितने ज़्यादा आर्ट्स के लिए चार्ज हायर करोगे, उतनी थोड़ी प्राइसिंग कम हो जाती है. लेट्स सपोज इफ़ यू हायर अ पर्सन फॉर 10 hours, तो उसकी प्राइसिंग हो जाती है लाइक $50 per hour के हिसाब से. 10 hours के वो चार्ज करते हैं आपसे $500 टू बिल्ड अ नो कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म on a website like Botsify, ManyChat, Chatfuel, इस तरह की वेबसाइट लैंडबॉट पे. सो यू कैन इमेजिन हाउ मच प्रीमियम दे आर चार्जिंग इफ इट्स एन आउटसाइडर. लेकिन अगर आप पाकिस्तान में काम करते हो या इंडिया में या फिलिपीन में, जहाँ आपकी करेंसी वैल्यूएशन अभी जब करेंसी काफ़ी डेप्रिशिएट कर रही है, तो आप इससे ये बेनिफिट है आपको कि आप एक बहुत रीजनेबल प्राइस में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी यू कैन ऑफर फॉर योर कस्टमर्स. अच्छा, तो ये आपने कुछ बताया जरा कि जो फॉरेन में जो लोग हैं जो चैटबॉट वो भी काइंड ऑफ हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यू है कि अभी तक समझ रहे हैं कि अभी क्या करना है, अभी चलना है, कहाँ जाना है आगे. अच्छा, तो उसामा, कोई ऐसी बड़ी कंपनीज हैं आपकी नज़र में जो बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स इंटरनेशनल लेवल पे, कोई एक तो आप नाम बताना चाहें, और अगर उन कंपनीज ने अपना रेवेन्यू क्या बताया है कि वो अभी कितना, जैसे वैसे तो डायलॉग फ्लो मुझे पता है सबसे टॉप है अभी जो चैटबॉट डेवलपमेंट में, लेकिन वो है AI वाले बेस में. लेकिन जो अभी जो क्लिक क्लिक वाला या AI बेस्ड जो भी, अगर कोई आपको ऐसे बड़े नाम पता है जो चैटबॉट प्रोवाइडर्स के, तो वो बताएं और उन्होंने कितना रेवेन्यू अभी तक उस कंपनी ने खुद, जैसे कंपनी बताती है ना कि यार हमने इस साल, जैसे Botsify कह रहे हैं हमने इस साल इतने मिलियन अभी प्रॉफिट लिया हमने, तो इस तरह क्या किसी इंटरनेशनल कंपनी ने बताया कि उन्होंने कितना प्रॉफिट बना लिया और कौन से हैं वो बड़े नाम? सर नंबर्स तो डिस्क्लोज नहीं होते, क्योंकि हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ वो इतने ईजिली डिस्क्लोज नहीं करते. लेकिन इन टर्म्स क्योंकि Botsify एक बूटस्ट्रैप कंपनी है, फाउंडर वाज आई गेस मिस्टर Usama Numan, ही वाज इन यूनिवर्सिटी, वो फर्स्ट ग्रेजुएट है. तो जब यूनिवर्सिटी के वो अपने फाइनल ईयर पे थे, उसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि वो भी कोडिंग बैकग्राउंड से, तो उसके साथ साथ उन्होंने Botsify लॉन्च कर दी थी. जैसे आमतौर पर तो बिजनेस ओनर ऐसे लगता है ना कि कोई अंकल जैसे होंगे. नहीं नहीं नहीं, ही इज जस्ट 27. अच्छा, मैं 28 का हो गया हूँ यार. आप एक साल छोटा है कोई, Botsify को क्या बात है यार. जी एग्जैक्टली. सो अच्छा, मैं यहाँ खत्म नहीं होता. जो जिनको मैं जानता हूँ, landbot.io, इट्स अ स्पेन बेस्ड कंपनी. landbot.io ना, it's they made like they got more than like 8 to 9 million of funding in 2019 and 2020. I'm not 100% sure कितने मिली थी. You can go and check on Google. And like वो उनके फाउंडर्स भी इसी एज के, इन बिलो 30s, उनके 2 to 3 फाउंडर्स हैं, एक मार्केटिंग का है, एक कोडिंग का है, एंड एक बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट है. अच्छा, वेल डन यार, सही है. तो अच्छा, मोहम्मद काशिफ पूछ रहे हैं, उसामा भाई आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं क्या, मतलब आपने आप कैसे इतने इतने चालाक हो गए, असल में वो ये पूछना चाह रहे हैं. सर मार खा का के आप कैसे कि लाइक सबसे पहले आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने ACCA एनरोल किया था, और
एसी से में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले अपने साथ, बट आफ्टर सम रीजंस या शायद 2 साल बाद मुझे अंदाजा हो कि मुझे अकाउंटेंट या नंबर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना सेल्स और मार्केटिंग में था. सो आई कंप्लीट माई फाउंडेशन लेवल से एसी से, और आफ्टर 2 मंथ्स मैंने एसी से ड्रॉप किया और बीबीए में एनरोल किया देख रहा यूनिवर्सिटी. मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट्स जो ये मिला वो यही मिला कि जो मेरे साथ लोग थे जो मेरे इन्वायरमेंट में थे वो बहुत अच्छी वेल नोन बैकग्राउंड से थे. एंड दे वर लाइक इफ लेट्स सपोज इफ यू आर इन योर 20s और आपके दोस्त अगर बिजनेस फनल सेल्स मार्केटिंग की बातें नहीं कर रहे ना, सो माइट पॉसिबल यू आर लूजिंग योर टाइम. आप अगर डेली आप रेंट मेजर, जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि मेरे साथ जितने भी लोग थे आइदर दे वर फ्रॉम द बिजनेस बैकग्राउंड या उनके घर पे यानी उनके जो उनके वालिद थे या जो उनका था वो बिजनेस बैकग्राउंड से थे या they were looking for their own startups. जैसे मिसाल के तौर पर मैंने went to Iqra University और Iqra University में क्योंकि मैं एक student एक working student था, so मैंने enroll किया evening shift में या weekend batches में. जो मेरा सबसे बड़ा benefit यह जो evening shifts या weekend batches होते थे उसमें अक्सर औकात या तो working students या business students जो already कहीं ना कहीं business कर रहे हैं वो आते थे. जब उनसे networking हुई, उनसे मिलना जुलना शुरू हुआ, पता चला कि वो क्या कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग हुई. एंड येस द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी. यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू रीड सम, यू हैव टू अडॉप्ट सम कंटेंट, ये वो, तभी जाके आप ग्रूम हो गए. वरना आप सिर्फ लाइक रैंडम दोस्तों के साथ उठना बैठना करते रहोगे, ना आपके दोस्त आगे ना आप आगे, तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे आगे. सो आपको अपने माहौल बदलना पड़ेगा इफ यू नीड योरसेल्फ टू बी ग्रूम. अच्छा तो भाई आप समझा आपने, मुझे तो ये समझ आया कि बादाम से ज़्यादा जो अकल को तेज करने वाली चीज़ है वो है ठोकर. ठोकरें जब बंदा खाता है और दुनिया में निकलता है बाहर जब देखता है, तो बंदे को बादाम खाने से घर में बैठ के कुछ भी नहीं होगा. बाहर निकलना पड़ेगा और अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे. तो उसामा भाई आप बता रहे हैं कि बुक्स में भी आपको इंटरेस्ट है, तो क्या बुक्स पढ़ते हैं आप? ये बल्कि एक सवाल. अच्छा यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाली बुक्स नहीं पढ़ता मैं, बहुत एक बैक बेंचर हूँ. और मैं यूनिवर्सिटी में अगर 60 नंबर पास होने के होते तो मेरे 60.5 या 61 आ रहे होते, तो बिल्कुल कॉर्नर एज पे पास रहता हूँ. यूनिवर्सिटी बुक्स में ऑब्वियसली माशाल्लाह यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन यूनिवर्सिटी बुक्स में इतना नहीं है जितना सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है. सेल्फ हेल्प बुक से ज़्यादा सबसे अच्छा आइडिया होता है लेट्स सपोज आप मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हो, तो मार्केटिंग में कितने सारे मेंटोर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई होती है 20-30 साल टू स्टडी मार्केटिंग हाउ इट वर्क्स, उसके वो बुक्स लिखते हैं. आइदर आपके पास ऑप्शन वन ये होता है कि आप अपने 20-30 साल जिंदगी के ज़ाया करो, आप मिस्टेक्स करो, आप गलतियां करो और उसके बाद आपको अंदाजा क्या है. और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक बंदा जैसे ऑलरेडी अपनी जिंदगी के 20-30 साल लगा चुका है उस नीच में और उसके बाद उससे सारा एक्सपीरियंस अपनी एक बुक में लिखा हुआ है, आप वो रीड करके आपके 20-30 साल अपनी जिंदगी नहीं बचा लोगे. एक बड़ा मशहूर एक बड़ा अच्छा कॉल एक शायर कहते हैं कि जिस माशरे में जूते कांच के डब्बे में बिकते हों और जिस माशरे में किताबें रोड के किनारे बिकती हों, तो उस माशरे को किताबों की नहीं जूतों की जरूरत होती है. वाह यार क्या बात है, क्या जबरदस्त बात की आपने. तो क्या कहते हैं उसामा, आपकी भी मेरे ख्याल है उम्र हो गई है शायद 20-30 साल आपने जाया कर ली है. 23 सालों में 23 साल आपके हो गए जाया, तो 23 साल की एज है मेरी. अच्छा 23 साल आपकी एज है, अच्छा तो मुझसे तो बहुत छोटे हैं फिर आप तो. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इतने कम टाइम में ये चीजें समझ ली हैं. एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि फिर आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और इन फ्यूचर फिर हम दोबारा कभी उसामा भाई को इनवाइट करेंगे. मे बी हम उसामा भाई से कोई ऐसा सेशन रखें कि जो नए आने वाले लोग हैं जो बिजनेस अपना खड़ा करना चाहते हैं, अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं, उनको उनके लिए कोई गाइड वाला सेशन ऐसा बनाएं मे बी, जिसमें वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करें. 101 का एक सेशन करें हम, कि 101 कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की जो बिल्कुल पहला स्टेप होता है उसको. तो मे बी हम बिजनेस और मार्केटिंग का 101 का सेशन हम रखें उसामा भाई के साथ. तो इसी उम्मीद के साथ आप सब लोग मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में. नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है वो कल छोड़ के परसों है, यानी कि आज 13 तारीख है, ट्यूसडे 13, तो 14 को छोड़ के 15 तारीख जो है थर्सडे वाले दिन हम 5 बजे इसी जगह पे हम मिलेंगे फेसबुक लाइव पे 5 बजे. और आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप ज्वाइन करें, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें हम क्या करने लगे. उसमें मैं कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स और कुछ मेरे जो करंट कोर्स में इनरोल हुए हुए स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पहले ही पढ़ रहे हैं, उनको हम इन्वाइट करेंगे, उनसे ज़रा उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा लग रहा है उनको पढ़ के, कोई ऐसा फीडबैक कोई है जो मुझे उसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ, क्या उनकी जॉब्स लग गई हैं, कहाँ जॉब्स लग गई हैं, कितने पैसों में लग गई हैं, कैसे उन्होंने जॉब ढूंढी, क्या जॉब वाले लोगों ने उनको अप्रोच किया या इन्होंने तलाश किया, कोई जॉब लिंक्डइन से ढूंढा, अपवर्क से ढूंढा, कैसे किया. ठीक है, तो एक गाइड होगा जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं.
फिर हम उनसे जरा ये भी पूछेंगे कि भाई जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जरा कुछ अगर आप बोलना चाहें कि अच्छा यार ये चीज़ इस कोर्स में लाजमी करनी है या ये चीज़ इस कोर्स में नहीं करनी है उससे आपका पूरा कोर्स, तो इस तरह की एज अ, क्योंकि मैं तो टीचर के तौर पर पढ़ा रहा होता हूँ तो स्टूडेंट का परस्पेक्टिव जो है वो भी मैं लेना चाह रहा हूँ, जो मेरे लिए एज अ फीडबैक होगा और आप सब लोगों के लिए जो नए एनरोल होने वाले लोग हैं उन सब लोगों के लिए जो है वो एक गाइड होगी, एक एक आपके लिए जो है ना सोचने में आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा, उसके अलावा ये भी बताता चलूँ मैं कि अभी लास्ट डेट गुजर चुकी है इस कोर्स में एडमिशन की, लेकिन स्टिल आप जो ओरिएंटेशन क्लास है, बल्कि जो हमारी नेक्स्ट आने वाली जो क्लास है सैटरडे को हमारी फिर ओरिएंटेशन क्लास होगी, वो भी यहीं पर होगी, वो भी फ्री होगी 5 बजे से 7 बजे तक, ठीक है। उसमें हम पूरे कोर्स का ओरिएंटेशन सेट करेंगे कि हम जाने कहाँ वाले हैं। उसके बाद जो ट्यूसडे को जो क्लास होगी ना फिर हमारी अगली, ट्यूसडे को क्या डेट होगी ज़रा मैं देख लेता हूँ, ट्यूसडे को होगा 20th of September। तो 20th of September से पहले पहले आप ना फीस पे करके इनरोल हो सकते हैं अगर आप स्टिल इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बावजूद इसके कि लास्ट डेट हमारी पास हो चुकी है, लेकिन वो लोग जिन्होंने यहाँ तक ये लाइव सेशन देख लिया है और अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं तो वो 20th of September तक फीस पे करके इनरोल हो सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर इस पेज के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, मैं आपको बता भी देता हूँ, 03022004480, ठीक है जी, ये मेरा नंबर है। और इस नंबर पे आपने इजी पैसा या जैस कैश के जरिए फीस पे करनी है। आप मुझे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक लिंक आ जाएगा एडमिशन फॉर्म का, और हमारा जो व्हाट्सएप का डिस्कशन ग्रुप है उसका आपके पास लिंक आ जाएगा। तो ये जो मैंने नंबर बताया 03022004480, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं और फीस पे करने का तरीका बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा आसान हो नहीं सकता था। आपने बस इस नंबर पे इजी पैसा या जैस कैश के जरिए 6000 पे कर देना है, जो पूरे 4 महीने की आपकी कोर्स होगी, और उसके बाद आपने वो फॉर्म फिल कर देना है, उसमें आपका ईमेल, फोन नंबर, बेसिक चीज़ें, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है उसके अंदर, तो बेसिक चीज़ें आप वो फिल करके फॉर्म भर देंगे। और ट्यूसडे वाले दिन जो फिर क्लास होगी वो प्राइवेट में होगी, वो यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। जो ट्यूसडे, कमिंग ट्यूसडे, उस दिन जो क्लास होगी शाम को 5 बजे इसी जगह पे, इसी टाइमिंग पे होगी ट्यूसडे को, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगी, वो फिर प्राइवेट में होगी, वो जूम पे होगी होपफुली, या गूगल मीट पे किसी पे होगी। आपको ईमेल के जरिए उसका लिंक भेजा जाएगा, जो व्हाट्सएप का एक जो इनरोल हो चुके हैं स्टूडेंट है उनके लिए अलग ग्रुप है, वो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो मैं आपको उस पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो वहां पे नोटिफिकेशन आएगा कि भाई 5 मिनट पहले के यार अभी क्लास शुरू होने वाली है, तो जल्दी जल्दी ये लिंक आ गया, इस पर सब लोग ज्वाइन कर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल अगर रह गया है आपका, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होगा यानी कल छोड़ के परसों होगा, अभी क्लास की जो टाइमिंग है ना TTS यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये क्लास की टाइमिंग है, हमारी डेज है ये क्लास की, और 5 बजे से 7 बजे, तो अब हम कंटिन्यूसली इन दिनों में मिला करेंगे। फेसबुक लाइव पे पहले शुरू की जो 4 क्लासेस हैं वो फ्री है हमारी, इसमें से ये सेकंड आज हो गई, ये 2 और रहती है अभी, उसके बाद की जो क्लास है वो सिर्फ फिर पेड स्टूडेंट्स के लिए होगी जो इस कोर्स में इनरोल कर चुके हैं। तो आपका अगर कोई सवाल रह गया तो अगले पॉडकास्ट में या ओरिएंटेशन क्लास में आप वो सवाल मुझसे इसी जगह पे लाइव सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक जुड़े रहने का, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। अल्लाह हाफिज़।